किताब ते सिख भी निगलिया गया। लेखक सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा। भाग पहला। आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। किताब की भूमिका अते जैन धर्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान मैकालफ लिखता है, सिख धर्म नवेकला धर्म है। यह हिंदू धर्म विचों नहीं निकलिया। हिंदू धर्म सिख धर्म नूं निगलन की कोशिश कर रहा है। वह भारतीय जंगल के उस अजगर समान है जो छोटे छोटे दुश्मन प्राणियों पहला अपनी लपेट विच लैंदा है, फिर उसनू अपनी जकड़ नाल कस के उसनू कुचल दिंदा है अते अंत विच उसनू अपने वड्डे ढिड विच समा लैंदा है। इसलिए सिख धर्म का सब तो वड्डा दुश्मन हिंदू धर्म है। उस विशाल अजगर तो सिख धर्म नू बचाउण लई बरतानिया सरकार नू सिख पंथ की मदद करनी चाहीदी है। दो शब्द सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा वालों इस किताब बाबत। यह किताब लिखण लग्या मैनू बहुत मानसिक तकलीफ विचों लंघना पिया है। छोटा मूँह वड्डी गल वांग विशा बिल्कुल वक्खरा ते नवा होण तों इलावा दुबदा वाला भी सी। एक किताब लिखी नूं लगभग 2 साल हो चले हन, पर सिख सचमुच निगलिया गया है कि नहीं दा फैसला मेरे कोलों नहीं हो सकिया। अखीर मैं एक रजिस्टर ला लिया ते हर ठीक ठाक सिख जो वेखण नूं जागरूक लगदा सी कोलों पुछणा शुरू कीता। इन्हां लोकां विच उच्च कोटि दे विद्वान मन्ने जाण वाले सज्जण, डाक्टर, सरकारी उच्च अहुदिआं ते बैठे अफसर, इंजीनियर, राजनीतिक पार्टियां दे लीडर, नामी वकील ते हेठलियां अदालतां दे सब जजां तों लै के हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट दे रिटायर्ड जज साहिबान, गुरद्वारिआं दे प्रधान, विदेशां विच रहण वाले सिख ते होर महत्वपूर्ण नामी लिखारी, यूनीवर्सिटीआं दे प्रोफैसर साहिबान, पंजाबी अखबारां नाल संबंधित गुरसिख पत्रकार, दुकानदार, खेती करन वाले गुरसिख किसान, सिर कढ डेरियां दे साध संत रागी, ढाडी ते कीर्तन करन वाले सज्जण ते इत्थों तक कि सधारण सिख जिन्हां विच रिक्शा वाहुण वाले तक भी शामिल सन, नूं पुछिआ तुहाडे ख्याल विच हिंदू बहुगिणती वालों सिख निगलिया गया है कि नहीं। इस दा जो नतीजा निकलिया उसनू वेख के ही एक किताब छपवाउण दी हिम्मत होई, नहीं तां मैं भी किसे रफड़ विच नहीं सां पैणा चाहुंदा। 53% रले मिले सिखां ने बिना किसे किंतु परंतु लाउण दे सिद्धे ते ठेठ पंजाबी शब्दां विच कहा कि सिख निगलिया जा चुका है। कईआं ने तां इह भी कहा कि निगलिया तां उसे दिन ही गया सी जिस दिन इन्हां ने पाकिस्तान विचों निकल के हिंदुस्तान दी धरती ते पैर रख्या सी। 21% सिखां ने कहा कौन निकल सकता है सिखां नूं, तुसां इह सोच किदां लिया। किसे ने कहा सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप बनाया है, असी कोई अपने आप नहीं बने, भई सानू कोई जना खणा निकल जाएगा, साडा बाजां वाला गुरु सानू निगले जाण दो भला। कईआं ने इह भी कहा कि इह सब ढेंदी कला दीआं गल्लां हन, पिछले संघर्ष की हार विचों इह सोच निकली है, वक्त पैण ते ठीक हो जाएगी। किसी ने यह भी कहा कि हुण तां सगों सिखां दा सूत ही बड़ा लगा है, हुण तां असीं आजाद हाँ, पहलां अंग्रेजां दे गुलाम सी, गुलामी नालों तां आजादी सदा ही चंगी हुंदी है। किसी ने कहा कि जे हिंदू बहुगिणती वालों निगलिया भी चलिया है तां असां किहड़ा इत्थे बैठे रहना है, असीं तां समेत परिवार बाहर जाण नूं तैयार हाँ। कईआं ने यह सवाल पुछे जाण ते ही गुस्सा कीता ते कहा बंदा गल ते मूहों चंगी कढे, हिंदू विचारे कोई साडे नालों वक्खरे हन, पाकिस्तान विचों उह वी तां बथेरा जानी ते माली नुकसान उठा के साडे नाल ही रिड़दे खिड़दे इधर आए सन, हुण उह होर ते असीं होर हाँ। एक सिख ने कहा हद हो गई सवाल पुछण वाली, सिख हिंदू तो बनिया सी, जे हिंदुआं विच ही रल जावे तां किधर दा लोहड़ा आ चलिया, हाँ जे मुसलमाना विच जा रलदा फिर बुरी गल सी। इस तरह 21% विचों कई लोकां ने हिंदुआं विच रल नूं बुरा नहीं मन्निया ते सिद्धे तौर ते इह वी कहा कि हिंदू हिंदू कुछ नहीं हुंदा, सिख भी पहले दिन तों ही हिंदू हन, दो ना रखे जाण नाल इक कौम दो नहीं बन जांदी। कईआं ने आख्या असीं हुण अपने भरावां, भणवईआं, फुफड़ां, मासड़ां ते चाचे तायां नूं छड के जो मोने होए हन पिंड दे जटां बूटां नाल रल के अपने आप नूं सिख अखवाईए, भावें निगले गए ते भावें नहीं,
असी एदा ही चंगे हाँ। 26% लोगों ने कोई चज का जवाब नहीं दिता। कई तो जवाब देना ही नहीं सन चाहते। कई कहिंदे सन जदों सानू गल दा ही नहीं पता तां जवाब कादा दईए। कईआं नूं अजगर दा ही पता नहीं सी ते ओह पुछदे सन अजगर किहनूं आंदे हन। इन्हां 26% लोकां नूं छड्ड दईए तां 53% मनदे हन कि सिख निगलिया गया है ते 21% मनदे हन कि नहीं निगलिया गया। ते जे निगलिया भी गया है तां इह कोई बहुत वड्डी गल नहीं, मामूली गल। इसलिए 53% लोगों के विचारां नूं आधार बना के ही मैं ये किताब छपवाउण दा हौसला कीता है। ब्राह्मणवाद ने पहला जैन धर्म नूं निगलिया, फिर बोधियां नूं निगलिया ते हुण पारसियां नूं निगलण तों बाद सिख इस दे ताज़ा शिकार हन। मैं वाहिगुरू नूं हाजर नाजर जाण के सिख जगत नूं इह दसणा चाहुंदा हाँ कि मेरे मन विच किसे भी सज्जण जां किसे भी जमात प्रति कोई मंद भावना नहीं। ब्राह्मण तो मेरा भाव उस बुद्धिजीवी तो है जिहड़ा मनुवादी सिधांत का प्रचारक है। आम सधारण ब्राह्मण सज्जन मेरे लिए पूरा पूरा सत्कारयोग है। जदों असी पाकिस्तान विचों आए तो साढ़े कोल सवाए गल दे कपड़ियां तो कच्ची कौड़ी भी नहीं सी। साड़ी पिंड माना वाली जमीन एक ब्राह्मण कोल सी जो मेरे बाबा जी का लंगोटिया जार हुंदा सी ते 30 साल तो वहुंदा आ रहा सी। मेरे पिता जी पाकिस्तानों अमृतसर आ के उसनू चाचा कहिंदे सन तां मेरियां मातावां उहदे पैरीं हाथ लाउंदियां सन। विआहां शादियां ते दोहां परिवारां दा आउणा जाणा सी। मेरे पिता जी सरहाणे बांह रख के एक साडे दूर दे रिश्तेदार हरभजन सिंह दे घा दे लान ते पए सन। उहनां नूं समझ नहीं सी आउंदी कि की करां ते किधर जावां। शाम दे 6 वजे दा वक्त सी जदों एक कड़कवीं आवाज़ मेरे पिता जी दे कन्नां विच पई। ओए बुढ़ा सिया, इत्थे घा ते लम्मा पिया की करदा है? तेनू अपने जद्दी घर दा चेता भुल गया सी। सवेर दा तेनू कैंपां विच लभदा फिरदा हाँ, हुण तू किते जा के लभा। चल उठ तुर घर चलीए। फिर उहने मुंडे नू आवाज़ मारी, ओह चाटी लिया। ओह चाटी विच चांदी दे रोडे बादशाह दी तस्वीर वाले 1300 रुपये सन जो उसने मेरे पिता जी नूं दित्ते। शायद वह हुण दे 50,000 रुपये के बराबर हो। मेरे पिता जी का चेहरा खिड़ गया ते एक बार तो उन्होंने उजड़ पुजड़ के आए होने का चेता ही भुल गया। मैं 10वीं च पढ़ता सा जदों उही ब्राह्मण अपने पोते नूं नाल लैके साडे घर आया। उहदा साह कुछ उखड़िया होया सी, उसकी उम्र भी हुण काफ़ी हो गई सी। मेरे पिता जी नूं उसने कहा, मेरा हुण कोई पता नहीं, अज आके कल मेरे ज्यौंदे जी चल के अपनी जमीन सांभ ला। तेरा प्यो उत्थे अगां रब कोल मैनू पुछूगा, बई सुना मेरे पुत दा की हाल है ते मैं की आखूंगा भई मेरे पुत्ता ने तेरे पुत दी जमीन सांभ ली है। चल उठ ते चल के मैनू मेरी जिम्मेवारी तो सुरखरू कर। 40 साल दे बैठे मुजारे कोलों तां की 1 साल दे काबज मुजारे कोलों भी जमीन खाली नहीं सी करवाई जा सकती। साढ़े परिवार विच उस ब्राह्मण परिवार प्रति हुण भी बहुत सत्कार है। ये सारी कहानी लिखण तो भाव है कि किसी भी सधारण ब्राह्मण प्रति मेरी कोई मंद भावना नहीं। डेरियां दे साधां बारे मैं जो कुछ लिखिया है वह जो कुछ लिखिया जाना चाहीदा सी उसका 20वां हिस्सा भी नहीं। पंथ दे महान विद्वान अशोक सिंह बागड़ियां वर्गे सज्जण भी मेरे विचारां नाल सहमत हन। पंजाबी ट्रिब्यून विच छपिया उन्हां दा एक लेख इस किताब दे अंत विच दित्ता गया है। इन्हां साधां दी वजह करके ही सिक्खी नूं बहुती ढा लगी है ते लोकां दी शरदा भी टुटी है। साध मान सिंह पहेवे वाला अमरीका दे एक शहर रीनो गया। रीनो दे गुरद्वारे विच इसने 3 दिन कथा कीती। नाल दे शहर कारसन सिटी दा एक सज्जण इन्हां नूं संत मुख जाण के अपने घर लिजा के चाह पाणी पिआउणा चाहुंदा सी। 7-8 लक्कड़ कटे जिहे उहदे चेले भी नाल सन ते नाल ओह 4 चेलियां लई फिरदा सी। कोई आखे मैं छोटियां इलाचियां वाला दुध पीना है, कोई आखे मैं वड्डियां इलाचियां वाला दुध पीना है ते कोई आखे बॉर्नवीटा पा के मेरे लिए दुध लियाओ, कोई आखे ठंडा दुध पीना है ते कोई आखे तत्ता, कोई आखे दुध विच कॉर्नफ्लैक्स पा के लियाओ। एक चेली तो रसोई विच ही जा वड़ी ते ऐसी मामी चनों बनी कि कदे आखे बाबा जी आ नहीं खांदे, कदे आखे बाबा जी ओ नहीं पींदे। गल की सारा टब्बर भजा भजा के हंबा दिता।
साध मान सिंह सोफे उत्ते लत्तां ते बाहां खलार के पिया सी। चारे चेलियां उहदियां लत्तां ते बाहां घुट रहियां सन जिवें साध हलवाउंदा थक गया होवे। पिंडां विच इहो जिहां वर्गे जट किला जमीन दा वाह के फिर डंगरां लई पट्ठे वढ़न जांदे हन ते इह वाजे ते पूं पूं करके ही थक गया सी। साडे पिंड दा बतना तरखाण अमली सी, उहने जदों वी कोई मोटा संडा गड्डे जां रेड़े नूं बींडी पा के जुत्ता वेखणा ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਪੀਜੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੀਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਆਖੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਹ ਦਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਧੂਫਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰੇਨੋ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਦਾ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਜੁੰਡਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਸਾਧ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਓਂ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਵਾਲਾ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਂਹਦਾ ਬਈ ਬਿੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਬਿੱਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿੱਪਰ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਰਸਤਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਜੋੜੇ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਗੈਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਚੇਲੀ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭੇਡਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੀਚ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਬਾੜ ਅਰਥਾਤ ਸਕਰੈਪ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜੇ 100 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 100 ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਸਿੱਖ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, 19 ਨਵੰਬਰ 2002। ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਿਗੰਬਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜੈਨ ਹਨ। ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਗੰਬਰ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਰਿਸ਼ਭਦੇਵ ਸਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੈਨ ਜਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
अपनियां सारियां इशावां ते कामनावां उपर जित पाउण वाला। जदों जैनी आपस विच गलबात करदे हन तां तीर्थंकर नूं वी जिन आख के वडिआउंदे हन। तीर्थंकर तों भाव धार्मिक गुरु है। वैसे तां जैन धर्म सारे भारत विच ही है, पर फिर भी पूर्व विच मगध, पछम विच गुजरात ते दक्षण विच कर्नाटक अंदर इस धर्म दे पैरोकार ज़्यादा हन। महावीर चौवें तीर्थंकर सन, इन्हां नूं ही वर्धमान भी कहिंदे हन। इसे लई ही हर जैनी की जुबान ते महावीर का नाम हुंदा है। सिखां दे दस गुरुआं वांग इन्हां दे भी 24 तीर्थंकरां तों बाद होर कोई तीर्थंकर नहीं होया। जैनियां दे 24 तीर्थंकर भावें कछत्री सन, पर उन्हां दे 11 गंधर्व चेले सारे ब्राह्मण सन। उन्हां ब्राह्मणा ने पूरा जैन धर्म ही ब्राह्मणी रंग विच रंग दिता ते ऐसा साहित रचिया कि जैनियां दी पूरी होंद ही ब्राह्मणा ने अपने हाथ विच कर लई। ते इस तरह जैन धर्म दे दो वक्रे वक्रे टुकड़े होके दिगंबर जैनियां ते शतंबर जैनियां विच वंडे गए। दिगंबर जैन खुली अख वाले महावीर की मूर्ति सामने पूजा करते हैं, तो श्वेतांबर जैन मीटियां अखा वाले महावीर की मूर्ति अगे। जिथे किते एक ही मंदिर विच दोवें धड़े इकट्ठे हो जाण, उत्थे दोवें धड़े वक्खो वक्खरी पूजा करन दी जिद करदे हन ते इस गल ते प्रसाद भी हो जांदे हन। डांगां सोटे चलदे हन ते कईआं जैनियां दा लहू चुंदा फिरदा है ते अहिंसा दी पुजारी कौम मरन मारन ते तुल जांदी है। इह गल बाद विच इन्हां दोहां धड़ियां तों वी अगे लंघ गई ते 13 पंथी ते 18 पंथियां विच वंडी गई। ब्राह्मणा ने इथों तक घुसपैठ कर लई कि जैनियां नूं वी अपने वर्गे पखंडी बना लिया। जदों कोई उन्हां दे खाण लई भोजन पा रहा होवे जां उन्हां नूं आप भिक्षा मंगण गया नूं उन्हां दे भांडे विच कोई ऐसी सब्जी जां कोई होर खाण वाली चीज़ पावे जो उन्हां नूं पसंद ना होवे जां सवाद ना लगदी होवे तां हथ दा इशारा करके ओह चीज़ पाउणों रोक देंदे हन, ते जो चीज़ ज़्यादा सवाद लगदी होवे ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੁਰਸ਼ਨੁਮਾ ਕੁੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨਾ ਦੱਬ ਜਾਵੇ। ਜੈਨੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੂਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੂਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਨੀ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਸੀ। DAV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਾਬਣਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਪਰਵ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ,
पर ओहो ही सब्जी जां फल जे पक के पीला हो जावे तां खा लैंदे हन। ब्राह्मण गंधर्वां ने जैनियां नूं बड़ियां पित्तियां पड़ा दित्तियां हन, जिवें कि पाणी विच मल नहीं त्यागणा। वैसे भी जैनी पाणी नूं वी पुण के पींदे हन। पाणी विच मल ना त्यागण दा मतलब यह होया कि वह फलश सिस्टम भी नहीं वरत सकते, क्योंकि फलश विच भी थोड़ा जिहा पाणी तां थले रहिंदा ही है। मेरा एक जैनी मित्र जलंधर शहर तो अपने दादे नूं जिहड़ा बंगलौर तो इत्थे अपने पुत्तां पोतरियां कोल आया होया सी नूं लै के मेरे खेतां विच जंगल पाणी लई लिआउंदा हुंदा सी। बुढ़ा सचमुच ही बड़ा पखंडी जिहा सी। उसने जदों कार विचों बाहर निकलना तां उहदे दोहां पोतियां ने भी नंगे पैरीं उहदे नाल तुरना। जंगल पाणी जा के उहने सोटी लै के अपने मल नूं चंगी तरहां फरोल देना। उसनू रात नू पेशाब जाण दी भी दिक्कत आउंदी सी, क्योंकि फलश विच उह पेशाब नहीं सी करदा, इसलिए उहनू किसे भांडे विच पेशाब करवाउंदे सन। मेरे मित्र दी मां ने मैनू कई बार कहा, तुसी सिख चंगे हो, असीं तां वक्त नू फसे होए आ। जैनी खेती नहीं करदे क्योंकि खेती विच तां अरबां खरबां जीआ जंतां दी हत्या हुंदी है, भावें कोई जाण के ना वी करे। इसलिए जैनियां ने खेती छड्ड के होर धंधे शुरू कर लए ते व्याज ते पैसा चढ़ाउण लग पए। ब्राह्मण क्योंकि शुरू तो ही लुट्टण विच विश्वास रखदा है ते बड़ा लोटू है, इसलिए गंधर्वां ने व्याज चक्रवर्ती व्याज अते लुट्टण दीआं कई होर काढ़ां कढ लईआं। देश विच कपड़े दा व्यापार दा 70% हिस्सा जैनियां कोल है। वर्धमान निटिंग, भारत वर्धमान हौजरी ते विमल आदि कई फर्मां दे मालक जैनी अरबांपति हन। देश दे कपड़े दीआं सब तों वड्डीआं मिलां जैनियां दीआं हन। जैनियां दी नवीं पीढ़ी हुण बहुत आवाजार हो चुकी है। मेरे एक जैनी मित्र दी भैण अपने सहुरिआं तों अपने पति नाल पेके घर आई तां मैं उहनां नूं अपने घर खाणे ते बुलाया। असां पहिलां ही मीट बणाया होया सी जो उहनां दे आउण ते असां लुका लिआ। जदों ओह कुड़ी रसोई विच मेरी पत्नी नाल गप-शप कर रही सी तां पता नहीं किवें उहने साडा लुकाया होया मीट वेख लिआ जिसदा सानू कोई पता ना लगा। उहने अपने पति दे कन्न विच इह गल दसी। ओह हसिआ ते फिर मैनूं कहण लगा, यार सानू खाणे ते वी सद्दिआ ते हुण भाभी साडे तों लुका लुका के खाणा रख रही है। तुसीं कहिंदे होवोगे कि इहनां दे जाण तों बाद ही मीट खावांगे। मैं समझ गिआ कि इहनूं साडे लुकाए होए मीट दा पता लग गिआ है। मैं सोचिआ इहनां जैनियां दे खाण लई नहीं, शायद इस करके कहा है कि असां इत्थे खाणा नहीं खाणा क्योंकि तुहाडी रसोई विच मीट बणिआ होइआ है। इसे डर करके मैं साफ मुकर गिआ कि मास साडे घर बणिआ है। मिनी दोस्त दी भैण रसोई विच गई ते पतीला लिआ के खाणे वाले मेज़ ते रख दित्ता। फिर जोगेश जैन ने कहा, उधर भाभी होर की बनाई तुरी जांदी है। तीन चार सब्जियां दे नाम मिनी ने दसे तां उहने कहा, मैं तां मीट नाल ही रोटी खा लैणी है, तुसीं जो मर्जी खाओ। फिर उसने शराब भी मंग ली, मैं लिआ के सामने रख दित्ती। हुण गल तां साफ सी, सानू खुशी भी बड़ी होई, माहौल भी वधिया बन गया। पर जदों मीट खाण लगे तां मेरे दोस्त ने कहा, वेख बई हुण तैनू प्रण करना पएगा, हथ अगे कर। मैं हथ अगे कीता, उन्हां तिन्हां ही जैनी परौणिआं ने मेरे हथ ते हथ रख दित्ते ते कहा, जे तूं किसे नूं दस्सिआ तां तैनू महावीर दा घाटा। मैं कहा, नहीं नहीं, मैं किसे नूं नहीं दसदा, पर इह महावीर दा घाटा की होया। उह कहण लगे, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਉਚੇਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਜਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, पर फिर भी वह सेहत नूं खराब करती है ते उस नाल कलेजा धुखदा रहिंदा है, नाले एसिडिटी भी हो जाती है। जे दिने बिल्कुल पीणी ही पै जावे तो आम विस्की पी के मगरों अमरूद जां अमरूद ना मिलन तां उहदे पत्ते खा लेने चाहीदे हन, क्योंकि अमरूद दे पत्तियां दी अपनी ही बड़ी तिखी जी गंध हुंदी है जिस थले शराब की बो नप्पी जाती है। जरूरत इजाद की माँ हुंदी है। वह बेचारा जैनी
अपने जैनी परिवार तो चोरी शराब पींदा सी। शायद इसे ही उन्हें यह तरीका लभ लिया होवे। अपने सहुरे परिवार भी उहदी शराब का किसी नूं पता नहीं सी। एक बार अपने बेटे के जन्म से मैं उन्होंने पूरे परिवार को ही अपने घर खाने पर बुलाया। मेरी पत्नी ने शुद्ध शाकाहारी खाना तैयार किया। बासमती दे लून वाले चौलां विच अदरक ते सब्जी दे टुकड़े पा के पलाउ जिहा बनाया ते नाल मिठे वाला दही सी। सारिया ने पचाके मार मार के खाधा। खांद्या खांद्या मेरी पत्नी नूं हरीश दी मां ने पुछया, बेटा मैनू दो गल्लां दस। पहली तां इह कि तेरे बनाए हुए चौल इकले इकले हन, असीं कई बार बनाए हन पर ओह किपाजा बन जांदे हन। दूजा तेरा डूंगे विच दही चक्के वर्गा जमया है ते दही विच मासा भी पानी नहीं, पर साडा दही फुटियां जिहियां वाला हुंदा है ते पानी सिमदा रहिंदा है, इह की गल? ये सवाल इस तरह का सी जिवें पंजाबी दी कहावत है, वड़ी बनावे कड़ी ते घ्यो बनावे साग वड़ी बहुदाना। मेरी पत्नी ने कहा, बीजी चौल तो पुराने बासमती दे हन ते जदों पक के तैयार हो जाते हैं तो बासमती दे चौलां दी खूबी ये हुंदी है कि वह उदों ही आकार विच वधदे रहिंदे हन ते जिवें जिवें ठंडे हुंदे जांदे हन तेवें तेवें थोड़े थोड़े आकार विच घट हुंदे जांदे हन, इसलिए जुड़दे नहीं। ये खूबी सिर्फ चंगी नसल दे बासमती दे चौलां विच ही हुंदी है, जदों के दूजे चौल बनते बनते भी कोई हरकत नहीं करते, इसलिए एक दूजे नाल जुड़ जाते हैं ते किपाजा बन जाते हैं। दही भी खालस दुध होण करके इस तरह का जमदा है। पानी वाला दही तो पानी छड़ेगा ही। अजे दही दियां गल्लां चाली ही रही सन कि मिनी ने परे जा के बहाने नाल मेरी पत्नी नूं रसोई विच बुलाया ते कहा, जे तुहानू मम्मी पुछे कि दही विच निक्के निक्के बैक्टीरिया तो नहीं हुंदे तां तुसीं कहो नहीं, क्योंकि यह तसली करनी मेरी मम्मी की आदत बन चुकी है। एक बार किसी ने इन्हां नूं दस दिता सी कि खुरदबीन विच वेखो तां दही दियां फुटियां जरासीमां दियां ढेरियां ही हन। उन्हें यह भी कहा कि मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है ते साडे झांसे विच आई हुई है, नहीं तो कई जैनी तो दही नहीं खाते तो दुध भी नहीं पीते। असी योजे लोगों मम्मी तो दूर ही रखते हैं। सिखा दे साध संत भी इस तरह ही बहुत व्डे भुलेखे के शिकार हैं तो दुध के गिलासा के गिलास सने मलाई डकार जाते हैं, पर ना तो आंडा खाते हैं तो ना ही मास। हर जानवर का बच्चा कुछ महीनों बाद अपनी माँ का दुध पीना छड़ देता है तो फिर सारी जिंदगी दुध नूं मूँह नहीं लाउंदा। सिर्फ बंदा ही ऐसा जानवर है जिहड़ा 100 साल की उम्र तक भी दुध नूं चिंबड़िया रहिंदा है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन WHO एक संस्था है जिसने स्पष्ट किया है कि दुध ते खून विच कोई फर्क नहीं हुंदा, सिर्फ रंग का ही फर्क है। खून तो ही मास बनता है तो खून तो ही दुध बनता है। दुध अते खून विच सिर्फ रंग का ही फर्क है। जदों कोई जानवर पट्ठे खाता है तो उस विचों ही ये सारे पदार्थ तैयार होंदे हन। जिहड़े लोग मास तां नहीं खांदे पर दही खा लैंदे हन, जे उन्हां नूं खुरदबीन थले रख के दही का एक किणका विखाया जाए तो उन्हां नूं पता लग जाएगा कि यह किणका नहीं बैक्टीरिया की ढेरी है। पता नहीं ये लोग पखंड कर करके किनू विखाते हैं। सिर्फ मनुख ही अजिहा जीव है जिसने खुराक की बंदिश नूं तोड़िया है, नहीं तो शेर भावें भुखा मर जाए घा नहीं खाता तो बकरी भावें भुखी मर जाए मास नहीं खाती। मिनी जिसका असली नाम रोमेला जैनसी का रिश्ता भी बड़े अजीब ते नाटकी ढंग नाल होया सी। छोटिया छोटिया बरादरियां विच कुड़ियां लई मनपसंद मुंडे ते मुंडियां लई मनपसंद कुड़ियां लभणियां बड़ा औखा काम हुंदा है। मिनी ने IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज का इम्तिहान दिता पर चुनी ना गई। फिर उसने PCS का इम्तिहान दिता ते पास हो गई। उधर उहदे विआह की भी उम्र हो गई। जैनी अपनियां कुड़ियां नूं बहुता चिर घर नहीं बिठाई रखते। एक दिन एक विचोले ने जो कुड़ी वालियां दे परिवार नाल संबंधित सी एक लड़के की दस पाई, पर नाल ही उन्हें यह भी कह दिता कि भावें उस लड़के दियां दो स्टील मिलां हन ते बहुत अमीर है पर घरदियां तों चोरी किते किते शराब की गलासी मार लैंदा है, होर कोई नुक्स नहीं। उस विचोले ने यह भी कहा कि मैं अपनियां अखां नाल
उन्हूं शराब पींदिया कदी नहीं वेख्या। उसके एक दोस्त ने एक बार माड़ी जी गल की सी, परिवार पक्का जैनी परिवार है ते लड़का लड़का ही है। तीन भरावां विचों घर विच एक ही मुंडा है। एक भरा दियां दो कुड़ियां ही हन ते एक दे घर औलाद नहीं हुई। मुंडा बहुत कमाऊ है, सुभा दा बहुत ही चंगा ते हसमुख है। हुण कुड़ी डुबदा विच सी, एक पासे पीसीएस ते दूजे पासे विआह लई मुंडा। कुड़ी दी एक वार मजिस्ट्रेट दी कुर्सी ते बैण दी ख्वाहिश भी सी। एक दिन मुंडा कुड़ी कुड़ी वालियां दे घर मिले ते मुंडे ने दूजी मिलनी अपनी मिल दे दफ्तर ही रखी। जदों मिनी ने उहदी मिल ते दफ्तर वेख्या तां डौर भौरी ही हो गई। मुंडा उसदे अंदाजे तों किते वध अमीर सी ते उसदा दफ्तर भी बहुत वड्डा ते आलीशान सी। रहिंदी खुंदी कसर उदों निकल गई जदों मिल दा एक कर्मचारी कुछ कागजां ते दस्तखत करवाउण आया तां मुंडे ने उन्हूं पुछया, तुसां पीसीएस कदों कीती सी? उस कर्मचारी ने विस्थार नाल दस्या कि वह किथे किथे की अफसर रहा सी। मिनी दी अद्धी कु फूक तां निकल ही चुकी सी। इस तों पहलां कि वह कुछ बोलदी, जोगेश ने कहा, साडा एक होर कर्मचारी भी पीसीएस रिटायर होया है ते हुण साडे नाल काम कर रहा है। विचारा बहुत ही चंगा है, आउंदा है ता तुहानू मिलाउंदा हाँ। वह जरा बिजली दे दफ्तर कुछ बिलां दा झगड़ा नबेड़न गया है। मिनी एक दिन आप ही दस रही सी कि यह सुन के तां उसका रोन ही निकल चलिया सी। एक प्राइवेट फर्म विच दो रिटायर्ड पीसीएस अफसर एदू ज़्यादा होर हनेर की आना है। इस हिसाब तां सरकारी आला अफसर सब्जी के भाव वेख रहे हैं ते मैं पीसीएस दे कमांड विच अपना भविख गवा देण लगी सां। बस उसे वेले तो ही उहदा वतीरा बदल गया। उधर जोगेश तां पहला ही उसनू पसंद कर चुका सी ते मन ही मन कह चुका सी, हम तो दो बोल बोल के हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। इसे तरह ही दूजे पासे भी वह गल सी जिवें रांझे हस के आख्या, वाह सज्जन हीर हस के ते मेहरबान होई। उन्हां दी इस मिलनी दी गल एक बार मिनी दे पति ने मेरे घर खाना खांद्या सुनाई। वह कहण लगा, गल्लां करद्या करद्या मैं अपना हाथ इहदे हाथ ते रख दिता ते इहने फट अपना हाथ इन्ने जोर नाल खिचिया कि जूस दे भरे हुए दोवें गलास मेज तों थले डिग पए। सच्चे बण दे मारे मैं पुछिया की होया तां इह कहण लगी, बस एवें मैं जरा भावुक हो गई सी। इहदी इह गल सुण के मैं बड़ा शर्मिंदा होया ते अपने आप नूं बड़ा हल्का महसूस कीता कि भावुक तां मैं होया सी पर फिर भी इहने मेरी इज्जत रख ली है। मैं उसे दिन फैसला कर लिया कि इदां दे सुभाव वाली इह कुड़ी मैनूं बहुत ठीक रहनी है। फिर उन्हें मैनू छेड़न दे ख्याल नाल मैनू कहा, कुलबीर इहो जिही जनानी तां यार घर विच रखनी ही शान है, नहीं? मिनी हसदी हसदी कहण लगी, मैं सब समझदी हाँ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜੈਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜੈਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। चलो मुंडा भावें शराब पींदा है पर फिर भी जैन धर्म के संस्कारां नूं मनदा होया ओला तां रखदी है। विआह शादी के मामले विच जदों कोई परिवार इदां दीआं गिणतियां गिण लग पवे तां फिर उह बहुता कट्टड़ नहीं रहिंदा। दो चोटी दे सिख परिवारां विच वी इसे तरह ही होया। सरदार तेजा सिंह समुंदरी जिन्हां दे नां ते दरबार साहिब समूह विच तेजा सिंह समुंदरी हाल बणिया होया है ते जो अकाली मोर्चे वेले जेल विच ही शहीद हो गए सन ते जिन्हां दे वड्डे सपुत्तर सरदार बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर रहे हन ते अगों उन्हां दे सपुत्तर जो नकोदर खंड मिल दे मैनेजिंग डायरैक्टर रहे हन दी बेटी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच पढ़दी आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दी बड़ी सरगर्म कारकुन सी। उसका विआह जिस गैर जट सिख लड़के नाल होया वो आईएएस तां जरूर है पर चेन समोकर जिहड़ा सिगरट बुझण ही ना देवे वी है, जो सिख धर्म विच सब तों बुरा गिणिया जांदा है। वो पतत है ते सिरों मोना भी है।
इस तरह ही एक अकाली लीडर ते मैंबर पार्लीमेंट की भतीजी का विआह जिस लड़के नाल होया वह भी मोना है, पर इस विच वह कुछ नहीं कर सकते। हवा ही ऐसी चल पई है कि सिखां दे पुत दिनों दिन केस कटाई जांदे हन। इस तरह के होर भी बहुत सारे केस हैं। जदों कोई धर्म टुटना शुरू हुंदा है तो उसते कई बरीक बरीक टुकड़े टुटते चले जाते हैं जो बाद विच वड्डे टुकड़िया विच तब्दील हो जाते हैं। पीसीएस अफसरां नूं वेख के मिनी नूं समझ लग गई सी कि पैसा कमाउणा वी पढ़ाई वांग ही इक कला है। मिनी दा पति एक आदर्श व्यक्ति है। जदों दाज दहेज देण लई जैनी परिवार ने अपनी एक पिता पुरखी जायदाद वेचनी चाही ता मिनी दे पति ने सख्ती नाल मना कर दिता ते कहा, मैं कोई दाज दूज नहीं लेना, मैं कारखानेदार अते मिल मालक हाँ, कोई मंगता नहीं, मेरा भी कोई स्वैमान है। शुरू तो ही जैन धर्म विच दाज दहेज देण अते लैण दा कोई रिवाज नहीं रहा। बच्चा जम्मण ते जां किसी बहुत ही बुढ़े दे मरण ते भी कोई खर्चा नहीं किया जाता जिवें हिंदू जां सिख करदे हन। बच्चा जम्मण ते वध तो वध एक खिडौना कोई बच्चे लई लै आवे तां वक्खरी गल है। बच्चे लई कपड़े लियाउणे सोने दे कड़े वगैरा पाउण आदि दा जैन धर्म विच कोई रिवाज नहीं। ना ही कदी लड़की दे सहुरे परिवार नूं ही कपड़े वगैरा देण दा रिवाज है। पर हुण हिंदू समाज की वेखा वेखी हिंदू समाज दीआं सारीआं बुराईआं ही जैन धर्म विच आ चुकीआं हन ते कुड़ी ते मुंडे वाले आमो सामने बह के लैण देण दा फैसला करदे हन। जैनियां विच तलाक दा रिवाज भी पहला नहीं सी पर हुण होण लग पए हन। अपने समागम विच जैनी बहुता करके जैनियां नूं ही सददे सन ते इस लई उहनां नूं विखावा करन दी कदी लोड़ ही नहीं सी पैंदी। पर जदों दा हिंदू रूपी अजगर ने जैन धर्म नूं निगलिया है ते जैनी दूसरे समाजां नाल मेल गेल वधाउण लग पए हन तां रिवाज भी उहनां दे ही अपना रहे हन। मिसाल दे तौर ते मुंदरी पाउण दी रसम, रिंग सैरामनी, वरमाला पाउणी आदि सारे रिवाज होण लग पए हन। जोगेश जैन आम जैनियां वांग कंजूस भी नहीं ते उह हर 6 महीने बाद अपनी कार बदलदा है। 1985 विच वह अपनियां दोवें मिलां वेच के सारा सरमाया मद्रास लै गया क्योंकि जैनी लोग झगड़े वाले थां थां ते मार मराई वाले माहौल विच रह के खुश नहीं हुंदे। उत्थे उन्हां दी एक शिपिंग कंपनी है जो बहुत ही फायदे विच चल रही है। ये गल दसण तो मतलब सिर्फ इन्ना है कि ब्राह्मण ने जैनियां दा भोग पा दिता है। अज हालात ये हन कि जे किसी तुरे जाते बंदे नूं सप लड़ जाए तो कोई आखे कि कोई जैनी जां बोधी आ के फूक मार देवे तां जहर लथ सकदा है, तां शायद इन्हां दोहां विच्चों पूरे पंजाब विच्चों कोई भी ना मिले। ब्राह्मणा ने जैन धर्म विच इत्थों तक घुसपैठ कर दित्ती सी कि जैनिया के 24 तीर्थंकरां विच्चों एक औरत तीर्थंकर भी सी जिसका नाम मल्ली बाई सी। ब्राह्मण ये गल मन के चलता है कि सारे फसाद की जड़ औरत हुंदी है ते औरत नूं ब्राह्मणवाद नरक का दरवाजा कहण तों भी गुरेज नहीं करता। ब्राह्मण नूं पता सी कि असां एक दिन जैन धर्म नूं अपने विच समूह लैणा है, इसलिए इस दीआं वागां इन्नियां ढिल्लियां नहीं छड्डणियां कि फिर ये साढ़े काबू विच ही ना आवे। उन्हां नूं एक औरत दा तीर्थंकर होना मंजूर नहीं सी, इसे लई ही उन्हां ने उसका नाम बदल के मल्लीनाथ कर दिता क्योंकि जैनियां दे ग्रंथां विच बार बार मल्लीनाथ मल्लीनाथ ना आउण लग पिया। इसलिए लोग भुल भुला गए कि मल्लीनाथ नहीं मल्ली बाई सी ते मल्ली बाई एक औरत सी। अज जैनी भी सिखां वांग कलपरे हन कि ब्राह्मण ने साडा कख नहीं छड्डिया, पर जैनियां विच भी अकाल तख्त दे जथेदार जोगिंदर सिंह वेदांती वर्गे लोग पोचे पाउण लई मौजूद हन। मेरा मित्र आखे मल्ली बाई तो बदल के मल्लीनाथ ब्राह्मण ने कीता है, पर उसका दादा उस नाल सहमत नहीं सी। वह आखे ब्राह्मण नूं की लोड़ पई सी इवें करन दी, जैनियां ने ही कीता होवेगा। पर मेरे मित्र दी दलील अगे बुढ़ा जैनी टेक ना सकिया जदों उसने कहा, जे जैनियां ने करना हुंदा तां उह औरत नूं तीर्थंकर ही क्यों बन देंदे। हुण जैनी भी अपने आप नूं खत्म ही समझदे हन। मेरे जैनी दोस्त हरीश ते उसदे पिता दी बड़ी दिलचस्प बहस हुंदी। उन्हां दी बहस दा घेरा बड़ा विशाल हुंदा। वह जदों भी बहस करन लगदे शुरू तां जैन धर्म तों करदे पर पहुँच मुसलमाना ते यहूदियां तक जांदे।
बहस करद्या करद्या बुढ़ा कोल बैठे अजनबियां नूं बहस विच घड़ीस लैंदा। एक दिन मेरे बैठिया ते उन्हां दी बहस इत्थों शुरू हुई कि भगवान महावीर दे शरीर विच लहू नहीं दुध वगदा सी। उन्हां दा दावा सी कि इदां जैन ग्रंथां विच लिखिया होया। हरीश ने कहा, ग्रंथ विच लिखे हुए दी किहड़ी गल होई, इदां तां बाइबल विच लिखिया होया है कि धरती चपटी है ते धरती सूरज दुआले नहीं सगों सूरज धरती दुआले चक्कर लाउंदा है। पर अज चौथी विच पढ़दे न्याणे नूं वी पता है कि धरती गोल है ते बाइबल विच गलत लिखिया होया है। ईसाइयां दे हिसाब नाल दुनिया 4000 साल जीसस तों पहलां बनी है, पर जदों 50000 साल पुरानियां हड्डियां मिलियां तां ईसाइयां ने कहना शुरू कर दिता कि दुनिया तां 4000 साल पहलां ही बनी है। रब ने निश्चा परखण लई ही हड्डियां पुरानियां बनाईयां हन। रब की नहीं कर सकदा। ये सुन के जैनी बुढ़ा भुड़क उठिया, तू बाइबल नूं जैन ग्रंथां नाल मिलाता, किथे जैन ग्रंथ ते किथे मामूली बाइबल। हरीश बड़ा धीरज वाला बड़े ठरमे नाल गल करदा। वो कहिंदा, बस सारे धर्मां नूं इही बीमारी है, लोग अपने धर्म नूं वधा चढ़ा के दसदे हन ते दूसरे दे धर्मां नूं छुटिया के बयान करदे हन। जे हिंदू सामने कहा जावे कि कुरान विच कुछ नहीं तां हिंदू बहुत खुश हो जांदा है, जदों के मुसलमान लोहा लाखा होके मरन मारन ते उतर आउंदा है। ते जे मुसलमान नूं कहिए कि गीता विच कुछ नहीं तां मुसलमान खिड़ जांदा है, पर हिंदू बुरा मना जांदा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी धर्म नूं अपने नाल जोड़ चुका है। इसे लई उन्हां नूं खुशी जां तकलीफ हुंदी है, जिवें तुहानूं होई है। पर जे धर्म ग्रंथ पढ़न नाल ही आत्मा बचदी हुंदी तां इह बड़ा सस्ता सौदा सी। जैनियां दे धर्म ग्रंथां विच लिखे होए वांग जे भुखे रहण दा अध्यात्मकता नाल कोई संबंध हुंदा तां दुनिया दे सारे भुखे जो भुख नाल मरदे ते अकाल पै के मरदे हन अध्यात्मक हो जांदे। कुरान, गीता, जैन धर्म दे ग्रंथ ते होर सारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह दुकानां ते ही विकदे हन। उन्हां दुकानदारां लई हमाम साबण दी चाकी वेचणी ते इह किताबां वेचणियां इक बराबर हन। जिहड़ी गल साबण वेचण वालियां नूं हुण पता लगी है, वह धार्मिक ग्रंथ वेचण वालियां नूं कई हज़ार सालां दा पता सी। एक अमीर हिंदू ने सोने दा भगवान ते सोने दा ही गरुड़ बनवाया, फिर बहुत गरीब हो गया। जदों सुनियारे कोल दोवें चीज़ां वेचण गया तां विष्णु हौला सी, उसका मुल घट पिया। गरुड़ भारा सी, उसका मुल वध गया। सुनियारे ने कहा, तेरी शरदा होवेगी, मैं तां सोने नूं वेख रहा, भगवान जां गरुड़ नूं नहीं। खून, हड्डियां अते मास हिंदू, मुसलमान, जैन जां सिख नहीं हुंदे। इन्हां धर्मां नूं तां मनुख आप अपने नाल जोड़दा है। जदों मुसलमान भारत विच हमलावर बन के आए तां उन्हां ने हिंदुआं नूं काफर दा नाम दिता, अर्थात रब नूं ना मन्नण वाले मूर्ख, जाहल ते आलसी लोग। मुसलमान हर उस बंदे नूं जिहड़ा इक खुदा विच ईमान ना लियावे उस नूं काफर दा नाम दिंदे हन। इसलिए काफरां नूं सीधे राह ते पाउण लई उन्हां दे धर्म अस्थान भी तोड़न तों गुरेज़ नहीं करदे। मुसलमानां ने हिंदुआं दे मंदर ढाहे ते ढाउण दे डर नाल कंबदिआं उन्हां ने उन्हां थावां ते ही मस्जिदां बणवा धरियां, जिवें अयोध्या विच राम जी दे जन्म वाले थां ते बणे मंदर नूं तोड़ के बाबर ने एक मस्जिद बना दित्ती जिस नूं बाबरी मस्जिद कहण लग पए। इस तरह ही मथुरा विच जिथे कृष्ण जी का जन्म होया सी उस मंदिर नूं तोड़ के उत्थे भी मस्जिद बनवा दित्ती ते हिंदुस्तान दे सैकड़े थावां ते इसे तरह ही होया। मूर्ति पूजण वाला ते मूर्ति नूं तोड़न वाला अपने अपने ढंग नाल मूर्ति नाल बज जांदा है। जिस विच पैगंबर ने भी मूर्ति पूजा की विरोधता की वह भी अज पूजे जा रहे हैं। बुद्ध, जैन, सिख गुरु ते होर सारे पूजे जा रहे हैं, कुछ पत्थरां नाल ते कुछ कैलेंडरां नाल। मन लो यसू मसीह यहूदियां हथों ना मरदे ते अपनी पूरी उम्र भोग के ही मरदे तां ईसाई भावें जो मर्जी कर लेंदे, उन्होंने इन्ना मशहूर नहीं सी होना ते ना ही इस धर्म ने इन्नी प्रसिद्धि प्राप्त करनी सी। जदों जीसस नूं फांसी दित्ती गई तां उह इक सधारण राजसी प्रक्रिया सी। जीसस की बेइज्जती करन लई दो चोरां नूं भी फांसी दित्ती गई, एक नूं जीसस दे खब्बे ते एक नूं सज्जे।
सिर्फ ये दसन लई कि असी तैनू चोरां तों वध कुछ नहीं समझदे, भावें तू अपने आप नूं रब दा पुत्तर समझदा फिरे। फिर एक चोर ने जीसस नूं कहा, भला असी तां चोर हाँ, तू तां भला मानस सी, सानू भी फांसी ते तैनू भी फांसी। जैन ग्रंथ तां इह वी कहिंदे हन कि महावीर जदों मरिया सी तां ओह गां दू गां चोण वाले आसन विच बैठा सी। दसो इह किहड़ा स्टाइल होया मरन दा। इस गल दा हरीश दी मां नूं वी गुस्सा लग जांदा ते ओह वी बोल पैंदी, तैनू किन्नी वार आख्या है महापुरशां नूं इदां नहीं आखीदा। हरीश उस विचारी वल ही सीधा हो पैंदा। फिर मम्मी ये दसो, जे किसी बंदे दे शरीर विच लहू दी थां दुध वगदा होवे ते जे किते सट लग जावे तां दुध वगण लग पवे तां लागे मक्खियां ही मक्खियां नूं भिणकण लग पैणगियां। इस गल तों ओहदी भैण जिहड़ी खन्ने लैक्चरार लगी हुई सी खिड़खड़ा के हस पैंदी। दोहां बुढ़िआं नूं बहुत गुस्सा चढ़दा। फिर ओह इक दूजे नूं कहिंदे, वेख लिया जे अजकल दे जमाने दा हाल की बणू इस दुनिया दा। इस गल ते कुड़ी शुरू हो जांदी, पापा पहले जमाने नालों तां हुण दा जमाना किते चंगा है। तुहानूं पता पुराने जमाने विच लोक शतरंज किवें खेडदे सन। बुढ़ा कहिंदा, किवें? बंदियां दीआं गोटियां दी थां ते सचमुच दे बंदे, हाथियां दीआं गोटियां दी थां ते हाथी ते घोड़ियां दीआं गोटियां दी थां ते घोड़े दे ऊठ दे थां असली ऊठ खड़े कीते जांदे सन। जिहड़ी गोटी पिट जांदी नाल ही घड़ी चों, फिर ओह अपने हथ दी हथेली नूं तलवार वर्गा रूप दे के अपने गल दे सामने खिच देंदी। जिवें गल वड्डी दा है ते मूँह तों अजीब करारी जिही आवाज कढ़ी दी है, जिहदा मतलब बणदा सी कि गल वड्डिया गया। बुढ़ी पुछदी, ना जींदे बंदे ते हाथी घोड़े? ओह कहिंदी, हाँ सारे ही जींदे। बुढ़ी दोहां हत्थां नाल फड़ के कन्नां दीआं करूंबलां थल्ले नूं खिचदी ते उठ के चली जांदी। जैनी इदां ही कन्न फड़दे हन। मूँह चों ओह की बोलदी सी इह तां मैनूं समझ नहीं सी आउंदी, पर इह स्पष्ट सी कि ओह कहिंदी होवेगी बहुत जालम सन। इह हाव भाव तां ओहदे मूँह दा उड्डिया रंग ही दस दिंदा सी। थोड़े चिर बाद ओह फिर मुड़ आउंदी ते कहिंदी, तुहानू भैन भरा नू मैं किन्नी वार आख्या इहो जिहियां गल्लां मैनू ना दस्या करो, सारी रात मैनू नींद नहीं आउंदी। इह मनोस्थिति सी एक जैनी परिवार दी। नींद ना आउण दा कहना इस लई क्योंकि जैनी तां मरी कीड़ी ते वी पैर नहीं रखदे, इत्थे हाथी घोड़े ते बंदे मारन दीआं गल्लां सन। हरीश दा बुढ़ा ताया भी गलबात सुणदा सुणदा जोश विच आ जांदा। किथे पहलां उहदे कोलों चज नाल अपने आप पासा भी नहीं सी परतिया जांदा ते पासा परतौण विच भी मदद करन लई आवाजां मारदा सी। पता नहीं उहनूं कादा जोश आउंदा सी, बिना किसे दी मदद ही उठ बहिंदा ते कहिंदा, पर इह पता जे उदों लोक घरां नूं ताले नहीं सी लाउंदे। मिन्नी हस के कहिंदी, लो वड्डे पापा भी आ गए जे मैदान विच। हरीश दे डैडी कहिंदे, दे जवाब हुण भाई साहब दी गल दा। हरीश कहिंदा, वड्डे पापा ताले भी तां ही लाई दे आ जे घर विच कुछ चोरी करन जोग होवे, जे कुछ होवे ही ना ते फिर भला ताले कादे लई लाउणे हन। लोक उदों डंगो डंग हुंदे सन, उहनां दा किसे ने की चुक के लै जाणा सी जिहड़े उह घरां नूं ताले लाउंदे। विच्चों ही मिन्नी बोल पैंदी, हो सकदा उदों तालियां दी काढ ही ना निकली होवे। हरीश कहिंदा, हाँ ये भी हो सकता है। मिन्नी बड़ी मूँह फट ते दलेर कुड़ी सी, भावें उह जैनियां दे घर जम्मी पली सी पर गल जट्टियां वांग करदी। उहदा कद 5 फुट 8 इंच ते शरीर बिल्कुल पतला, लक मसां एक गिठ दा होवेगा। मैं उहनूं एक वार भी साड़ी विच नहीं वेख्या। बाहर तां उह सलवार कमीज पाउंदी ते सिर ते चुन्नी जरूर लैंदी। अगों पिछों दी जे कोई वड्डा बैठा हुंदा तां उह झट फट चुन्नी सिर ते लै लैंदी। सलवार कमीज ते दुपट्टे विच ओह बिल्कुल जैनण नहीं सी लगदी। ना मैं कदे उहनूं विआह तों पहलां कोई गहना पाया होया वेख्या सी ते ना ही विआह तों बाद, पर उस तरह उस कोल गहने बहुत सन। घर विच कई वार ओह यूनीसैक्स कपड़े जीन ते कमीज वगैरह भी पा लैंदी सी, पर इह कपड़े पा के कदे बाहर नहीं सी जांदी। साड़ी बारे ओह कहिंदी सी, इह उदों दी पोशाक है जदों भारतीआं नूं कपड़ा सीणा नहीं सी आउंदा। साड़ी ही दुनिया की सब तो वध सैक्सी ड्रैस मनी गई है, पर यह गल्लां वो विआह तो बाद ही करदी सी। पहले समय विच बंदे भी तेड़ अणसीती धोती बंदे सन
ते पिंडा नंगा ही हुंदा सी। अमीर लोग नंगे पिंडे ते गहने पा लेंदे सन। मरदम शुमारी विच पंजाबी हिंदुआं वल्लों मात भाषा हिंदी लिखवाउण वालियां दा ओ बड़ा मजाक उड़ाउंदी ते उहनां नूं पखंडी ते अकिरत कण कहण लगी मासा संकोच नहीं सी करदी। लगदा सी जिवें उहदे अपने परिवार ने भी पंजाबी दी थां हिंदी ही मात भाषा लिखवाई होवेगी। जैनियां नूं ओह हिंदू मन के ही चलदी सी ते आम कहिंदी हुंदी सी कि हिंदू जैनी बोधी ते सिखां नूं निगल गए हन, पर मेरे सामने सिखां नूं निगलण वाली गल नहीं सी करदी ते सिख शब्द तों बगैर ही बाकी दी गल करदी सी। एक बार मैं उहदे पर्स विच 1.25 बोर दा पिस्टल भी वेख्या सी जो इटली मेक दा सी। इसे ही मेक ते इसे ही बोर दे पिस्टल नाल शहीद उधम सिंह ने अड़वायर नूं मारिया सी। इह पिस्टल शायद दुनिया दे सब तों छोटे पिस्टलां विच गिणिया जांदा है। एक बार मैं इहनूं बोतलां रख के निशाने लाउंदियां भी वेख्या सी। उहदियां इहो जिहियां गल्लां करके ही उह मैनूं कई बार झांसी दी राणी लगदी सी। मैं कई बार सोचदा इह कुड़ी तां एवें ही जैनियां दे घर जम पई है, इहनूं तां सिखां दे घर विच जमणा चाहीदा सी। एक बार मैं उसनूं रैड क्रॉस भवन विच ला एंड आर्डर दी स्थिति ते भाषण करदिआं सुणिआ तां दंग रहि गिआ। सारा हाल इस तरह चुप सी जिवें बेहोशी तारी गई होवे। धार्मिक ग्रंथ गीता बारे उह कहिंदी सी गीता अर्जुन अते कृष्ण जी विचकार होई गलबात है, पता नहीं मैदाने जंग विच कौन इन्नी शार्ट हैंड जानदा सी जिन्हें छेती छेती लिख ले। महाभारत युद्ध विच शास्त्रां अनुसार 1,15,00,000,000 बंदे मरे दस्या गया है, पर यह गल उहदे मन्नण विच नहीं सी आउंदी ते इस आतकथनी नूं उह निरी गप मन्नदी सी, क्योंकि सारे संसार की 2 अरब आबादी तो हुण है 1965 विच। जिस कृष्ण ने गीता का उपदेश दिता उहदी मौत भी एक शिकारी दे तीर लगण नाल होई। कृष्ण दे मरण तो बाद द्वारका विच उहदे अनुयाई शराब पी पी के लड़ मरे ते समुंदर दा पानी लाल हो गया। जिहड़े कृष्ण ने गीता लिखवाई उहने अपने चेलियां नूं इह ना दस्या कि आपस विच नहीं लड़ीदा। हिंदू कहिंदे हन कि अर्जुन अपने ही रिश्तेदारां बाबियां चाचियां तायां ते भरावां नाल नहीं सी लड़ना चाहुंदा, पर कृष्ण जी ने उस नूं लड़न लई प्रेरिया ते अर्जुन मन गया। हिंदू इस किताब नूं हिंदू फिलासफी दा निचोड़ दसदे हन ते कहिंदे हन कि जो कोई भी गीता दा पाठ करेगा वह सीधा स्वर्ग विच जाएगा, पर कहिंदे हन जदों पंजे पांडव भरा समेत द्रौपदी दे नाल उहनां दा कुत्ता स्वर्ग वल जा रहे सन तां जिवें जिवें स्वर्ग नेड़े आउंदा जांदा सी इक इक करके सारे गलदे जांदे सन। सारियां पांडवां नूं हैरानी इह होई कि सब तों पहलां अर्जुन ही गलिया जिस नूं कृष्ण ने गीता दा उपदेश दित्ता सी ते बाद विच उहदे 3 भरा ते द्रौपदी भी गल गए। सिर्फ युधिष्ठर ते कुत्ता ही बचे, पर जदों स्वर्ग पहुंचे तां धर्मराज ने कुत्ते नूं स्वर्ग जाण तों रोक दित्ता ते युधिष्ठर ने भी स्वर्ग अंदर जाण तों ना कर दित्ती। मजबूर हो के धर्मराज ने कुत्ते नूं भी स्वर्ग भेज दित्ता। साडे सारियां लई इह गल्लां नवीआं सन। मिनी दे ताए ने पुछिया पर सारियां अदालतां विच ते गीता ते हाथ रख के ही सच बोलण दी सहुं चुकाई जांदी है। मिनी ने थोड़ा गंभीर हो के कहा वड्डे पापा जिन्हां दी गीता है उहनां दीआं ही अदालतां हन, कहण नूं ही भारत धर्म निरपेख है पर राजकाज सारा हिंदू असूलां नाल ही चलदा है। हुण वेखो ना भारत अते पाकिस्तान इको ही अवार्ड हुक्म नाल आजाद होए, पर भारत विच आजादी दा दिन 15 अगस्त नूं मनाया जांदा है जदों के पाकिस्तानी ये दिन 14 अगस्त नूं मनाउंदे हन। कारण सिर्फ इन्ना ही है कि जोशियां ने दस्या सी कि 14 अगस्त दा दिन अराज संभालण लई शुभ नहीं, इस लई इस नूं किसे ना किसे तरीके नाल अगले दिन तक टालिया जावे। सारे हिंदू लीडरां ने एवें ही कीता। 12:01 ते नहरू जी नूं प्रधानमंत्री दे अहुदे दी सहुं चुकाई गई। उस तों पहलां नहरू जी नूं 7 दरियावां दे पाणी नाल चंदन दी चौंकी ते बिठा के इशनान करवाया गया। सहुं चुकण ते नारियल भन्निया गया ते पंडित नहरू जी राज सिंघासन ते जा बैठे। हुण वी कोई समुंदरी जहाज विच पाणी उतारना होवे जां हवाई जहाज उडाउणा होवे जां किसे डैम दा उद्घाटन करना होवे
जां कुछ भी होर करना होवे तां नारियल ही भन्निया जांदा है ते हवन जग कराया जांदा है। जे अजे भी इस नूं हिंदू स्टेट ना कहा जावे तां होर की कहा जावे। पर बेटा मैनू एक गल समझ नहीं आउंदी, जैनी बोधी ते सिख तां गीता नूं मनदे ही नहीं, इन्हां नूं उहदी सहुं चुकाउण नाल की फर्क पैंदा होवेगा। वड्डे पापा कानून अनुसार संविधान विच मुसलमाना ते ईसाइयां नूं छड्ड के बाकी सारे हिंदू हन, ते रही गल गीता नूं ना मनण दी, मन तां रहे हन, हर रोज़ अदालतां विच इहदे ते हथ रख के ही तां सहुं खांदे हन, होर किवें मनण। यह तो मजबूरी है ना, दिलों तो नहीं मनते। जदों ये सारे हिंदुओं में विलीन हो गए तो दिलों भी मनणगे। जिवें लूण की खाण में डिग के हर चीज़ लूण हो जाती है तो फिर उसकी पछाण भी लूण ही रह जाती है। इस तरह ही ये सारे भी हिंदू ही हो जाएंगे। फिर ये सारे हिंदू कानून ही मनणगे। मनणगे क्यों ना, जाणगे कि माँ को इन्हां तिन्हां कोल किहड़ा मुसलमाना वर्गा कोई परसनल लॉ है जेड़ा ये ना मनणगे। हर गल विच ये हिंदू कानूनां दे मुहताज हैं, इसलिए हिंदू धर्म नूं मानता दे चुके हैं। इन्हां सारयां दे विआह हिंदू मैरिज एक्ट थले ही हुंदे हैं। जे कोई होर थोड़ी बहुती कसर रहिंदी होवे तां हौली हौली कानून बना के वह भी दूर कर देणगे। फिर वह गलत मलत पंजाबी की कहावत वाजा टुट गया है कि गीत मुक गया है बोल देंदी। मैं कहिंदा नहीं, वंजली टुट गई है कि राग मुक गया है हुंदा है, तां हस के कहिंदी चलो इदां ही सही। इदां तां इह किसे दिन तक मुसलमाइयां ते ईसाइयां नूं भी हिंदू बना लैणगे। बुढ़ा फिर पुछ लैंदा, नहीं पापा इदां होना बहुत मुश्किल है, बल्कि इदां कदे हो ही नहीं सकदा। ये दोवें धर्म हिंदुआं दी पहुँच तो बाहर हन। जे ये उन्हां नूं निगलन की कोशिश करनगे तां उह इन्हां दे संग विच फस जाणगे। उन्हां नूं निगलना एडा सौखा नहीं। दुनिया विच मुसलमाना की आबादी ईसाइयां तो बाद दूजे नंबर ते आउंदी है। किसी भी मुसलमान देश विच कोई मंदिर नहीं बन सकता, ते जे सिखां ने किते मिन्नत तला करके गुरद्वारा बना भी लिया है तो उस दे मुख द्वार ते हिंदू मस्जिद लिखना जरूरी है। मुसलमान किसी भी उस कानून नूं मानता नहीं देंदे जिहड़ा उन्हां दे पवित्र कुरान दे विरुद्ध होवे, अते इत्थों तक कि उन्हां ने हजरत मुहम्मद साहब दी फोटो तक नहीं बन दित्ती, ते इह कह के उन्हां ने अणसुलझिया सवाल विच ही छड्ड दित्ता ते उठ के किताब अंदर रखण चले गए। एक बार वह किसी खास गल ते टिप्पणी करदी करदी विचे ही छड्ड दिंदी ते चुटकला सुनाउण लग पैंदी। वह अपने माँ प्यो दीआं भावनावां दा बड़ा ध्यान रखदी सी, पर जैनिया दे गंदे रहन ते गंद फरोलन वाली गल नूं बड़ी नफरत करदी सी। वह कहिंदी बंदा एक बार साह लवे तां पता है किन्ने हजार जरासीम अंदर जाके मर जांदे हन, फिर पता नहीं ये लोग इस तरह के खेखण क्यों करदे हन। पर उसदा माँ प्यो इस गल नूं अणसुणी कर देंदे। रखड़ी वाले दिन वह होर कुड़ियां वांग अपने भरा नूं रखड़ी नहीं सी बंधदी ते कहिंदी सी जे मैं रखड़ी ना बन्ना ते मन लो कि मेरी इज्जत ते आण बने तां कि मेरा भरा मेरी रखिया लई अगे नहीं आवेगा, कि सिर्फ रखड़ी बन्नण करके ही ये मेरा भरा है, उदां मेरी रखिया करना इहदा फर्ज नहीं। पर रखड़ी बन्नण वालियां कुड़ियां ते तरस करदी होई उह कहिंदी ये बेचारियां भी सच्चियां हन, सदियां तो इन्हां दे प्यो भरा ते चाचे ताए अपने फर्जां तो मूँह मोड़दे आए हन। जदों हमलावर कुड़ियां नूं हिक के लै तुरदे सन तां ये झुड्डू हिंदू नीमी पा के खलोते रहिंदे सन, ते कोई भी अगाह हो के अपनी जान ते खेड के उन्हां बेचारियां नूं नहीं सी बचाउंदा। इसे लई ही उस जमाने विच कुड़ियां बेचारियां रखड़ियां बन बन के इन्हां कोलों अपनी रखिया दा प्रण करवाउंदियां सन, ते हुण ये बेशर्मी रिवाज दा रूप धारण कर गई है। शायद इसे करके ही अपनी रखिया आप असूल दे तहत वह पिस्टल रखदी सी। कई बार वह बड़ी दलेरी नाल कहिंदी जिंदगी में होते हैं फैसले एक बार आर जां पार, पता नहीं इसका की मतलब सी। उसकी माँ उसनू बराबर हिंदू त्यौहारां वल प्रेरदी रहिंदी। करवा चौथ दा वर्त भाई दूज ते रखड़ी वर्गे त्यौहारां दा उहदे लई कोई महत्व नहीं सी। विआह तों बाद तां उह मास भी खाण लग पई सी। अंग्रेजी उहदे मूँह विचों बदो बदी निकल नूं करदी सी। किन्ना किन्ना चिर अंग्रेजी बोल के उन्हूं ख्याल आउंदा ते उह कहिंदी ओ सॉरी, ते फिर अगों गल पंजाबी विच शुरू कर देंदी।
उहदे पति नूं वी उह फराटेदार अंग्रेजी करके ही पसंद आई सी, पर इस गल दे उल्ट उहदे भरा हरीश दा हथ अंग्रेजी तों तंग ही सी। दोवें भैण भरा आने टके वाले स्कूलां विच ही पढ़े सन, क्योंकि जैनी परिवार उहनां नूं जैन स्कूल तों बगैर होर किसी स्कूल विच पढ़ाउणा नहीं सी चाहुंदा। पहलां सारे जैनी ही इस तरह करदे सन ते समझदे सन कि पढ़ाई दे नाल नाल जैन स्कूलां विच बच्चे जैन धर्म के तौर तरीके भी सिख जाते हैं। बिल्कुल इस तरह ही अज सिख भी बच्चे पढ़ाने लई बाबियां ते साधां द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों इस करके ही पहल देंदे हन, पर ना तो जैन स्कूलों के पढ़े लिखे बच्चे वधिया जैनी बने हन ते ना ही बाबियां दे स्कूलों के पढ़े बच्चे वधिया सिख बनणगे। धर्म की ज़्यादा नेड़ता कई बार धर्म तो परदे चुक दिंदी है ते बच्चा वड्डा होके धर्म तो बागी भी हो सकता है। दुनिया के विद्वान यही दसते हैं अज सब तो वध सिख बच्चे अपने धर्म तो बेमुख हो रहे हैं, जबकि सिख धर्म वर्गा नवा साफ सुथरा ते मुकम्मल होर कोई धर्म नहीं। सिख धर्म ही ऐसा धर्म है जो अणख नाल जीना भी दसदा है ते शरण पए नूं माफ करना भी सिखाउंदा है। सारे धर्म अपना प्रचार करन लई विचारे बच्चियां नूं ही चुणदे हन, क्योंकि जे बचपन तो ही काबू करके उन्हां नूं धर्म दी तोते रट करवा दिती जावे तां उन्हां नूं सारी जिंदगी नहीं भुल सकदी। इसे लई ही इस्लाम धर्म विच कुरान दा हवाला दे के कहा जांदा है जदों बच्चा 10 सालां दा हो जावे तां मार मार के उन्हूं कुरान शरीफ पढ़ाओ। हर धर्म वाले थां थां स्कूल खोलदे हन ते अपने धर्म दीआं गल्लां सिखा के उन्हां बच्चियां नूं अपने पक्ष विच करन दी कोशिश करदे हन। मन लो हिंदू राम कृष्ण नूं परमहंस कहिंदे हन, पर जैनी बोधी ते सिख इह गल नहीं मन्नणगे ते कहणगे उह तां मास मच्छी खांदा सी, परमहंस किवें हो सकदा है, कदे मास खाण वाला वी परमहंस होया। इस तरह बचपन तो ही धार्मिक कसवटी बच्चियां नूं फड़ा दित्ती जांदी है ते उह उसे नूं ही मापदंड बनाई रखदे हन। प्रचार करके ही अपने धर्म का रुतबा असल नालों वधाया जाता है। हिटलर ने कहा है जो गल वार वार दोहराई जाए उही सच्ची लगन लग पैंदी है। एक बार बंदे दे दिमाग विच ओ गल बैठ जाए फिर सचमुच की सच्ची गल भी उसनूं झूठी ही लगती है। सारे साध संत ते डेरेदार ये गल जान चुके हैं, इसे लई ही वह अपने डेरे की मर्यादा समझाउण लई धड़ा धड़ स्कूल खोल रहे हैं। लैक्चरार होण करके मिनी दा ज्ञान भी बहुत सी, वह बड़े थोड़े जे लफ्ज़ां दी गल विच ही सामने वाले नूं निर उत्तर कर दिंदी, ना तो वह जोश विच आउंदी ना गुस्से विच। जे उसने गलबात छड्डणी हुंदी तां हसदी हसदी उठ के चली जांदी। मैं कदे उहदे मुँहों किसी प्रति आप शब्द नहीं सन सुने, वह जदों बोलदी तां इस तरह लगदा जिवें मूँह विचों फुल किर रहे हो। जदों भी वह गल करदी तां नाल अंकड़े जरूर देंदी, कई बार तो वह किताब का नाम ते लिखारी का नाम भी लेंदी। जिस कालज विच वह पढ़ाउंदी सी उत्थे भी उसकी लायक होण करके बहुत इज्जत सी। अपनी गलबात विच वह कोई भी ऐसी गल नहीं सी करदी जिस नाल किसे दा दिल दुख सकदा होवे जां बुरा मन जाण दा डर होवे। इन्ने संतुलित सुभाव वाली कुड़ी इस तों बाद मैं कदे नहीं वेखी। मिनी कहिंदी पहले जमाने नालों तां हुण दा जमाना किते चंगा है। विज्ञान ने पहाड़ां दीआं खुंदरां विच रहिंदे नंग मनंग मनुख नूं खुंदरां विचों कढ के चंद्रमा तक पहुँचा दिता है। जिहड़ा चंद्रमा कदे पूजनीक सी ते हिंदू औरतां करवा चौथ दा वर्त रख के उस नूं अर्ग देंदियां सन ते मुसलमान लोग चंद्रमा नूं वेख के रोज़ा खोलदे सन, वह चंद्रमा अज लोकां दे पैरां थले है ते उत्थे बस्तियां वसाउण बारे विचारां हो रहियां हन, पर लोग अजे भी नवें चढ़े चंद्रमा वल वेख के कहिंदे हन सुख दा चढ़ी। हुण दे लोग भी अगे नालों चंगे हन, पहलां तां बंदा बंदे नूं मार के खा जांदा सी। बस ये लफ्ज सुनदिआं ही हरीश दी मां झुंचनी जिही लैंदी ते कन्नां ते हथ रख लैंदी, क्योंकि मारन ते मार के खाण वाली गल ते लगभग हर जनी दा प्रतिकर्म इको जिही हुंदा। वह अपनी गल जारी रखदी ते कहिंदी सतयुग ते दुआपर विच तां लोक भुख नाल अकाल पै के ही मर जांदे सन ते बीमारियां ते महामारियां ही पिछा नहीं सन छड्डदियां, पर हुण जे ऐसा होवे तां स्कूलां विच पढ़न वाले बच्चे भी अपनियां बुगनियां तोड़ के रिलीफ फंड विच दे दिंदे हन। हुण वियतनाम की जंग की गल ही लै लो,
किवें पूरी दुनिया ने फंड भेजे हैं ते बच्चियां ने अपनी आइसक्रीम के पैसे बचा बचा के भेजे हैं। जदों अमरीका के बच्चों ने भी वियतनाम लई फंड भेजा तो अमरीका की सरकार नूं भी शर्म आई। इस तरह सरकार ने लड़ाई तो पैर पिछे सरकाउणा शुरू कर दिता, नहीं तो अमरीका के लोग ही सरकार के विरुद्ध हो जाण दा डर सी। हुण बिहार के अकाल का जलंधर तक असर पिया है। लोगों ने इन्ना उत्साह विखाया है कि सरकार नूं बिहार का अकाल एजेंडे के सब तो उत्ते लियाउणा पिया है। जिथे लखां बंदे मरने सन उत्थे सिर्फ 40 बंदे ही मरे हन। उदों मैनू अपने धर्म विच ब्राह्मण द्वारा हो चुकी घुसपैठ दा ओका ही पता नहीं सी। जिस तरह मैनू उदों पता नहीं सी, इसे तरह ही कई सिखां नूं अज भी पता नहीं ते उह अज भी हनेरी दी दुनिया विच ही तुरे फिरदे हन। जदों मिनी ब्राह्मण दे धर्मां विच रले दी कोई गल करदी तां मैं दिल ही दिल विच संतुष्ट जिहा महसूस करदा कि चलो असीं तां बच गए। अज तक ब्राह्मण सिख धर्म विच नहीं वड़ सकिया, पर मिनी दी गल बड़ी स्पष्ट सी कि ब्राह्मण ने जिहड़े भी धर्म विच घुसपैठ करनी होवे पहलां उसे दा ही भेस बणाउंदा है। जे जैन धर्म विच वड़ना सी तां जैनियां दा, बुद्ध धर्म वास्ते बोधियां दा, पारसियां वास्ते पारसियां दा ते सिखां वास्ते सिखां दा। पर सिखां विच सिख भेस विच कोई ब्राह्मणी घुसपैठ होई है वह मेरा बेवकूफ दिमाग समझ ना सकदा। जिस गुरद्वारे दे ग्रंथी नूं मैं गुरु महाराज दा वजीर समझदा सां उही ब्राह्मण है, यह मैनू समझ ना आउंदी। पर हुण मैनू कोई शक नहीं रहा। इस गल दी मिसाल देण लग्गिआं वह एक फिल्मी गाने दा आसरा लै लैंदी ते कहिंदी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। मिनी सहज सुभा दी ही गल करी जांदी। सतयुग विच ही तां कृष्ण जी अपनी रिश्तेदार कुड़ी नूं भजा के लै गए सन ते देवते असमान तो आ के लोगों दीआं पत्नियां नाल बलात्कार कर जांदे सन। आम लोगों दीआं पत्नियां नाल ही नहीं सगों रिशियां मुनियां दीआं पत्नियां नाल भी यह हुंदा सी। जे कोई रिशि विचारा इकला बैठा तप कर रहा हुंदा तां उहदा तप तोड़न लई कोई इंद्र वर्गा मेनका वर्गियां वेसवावां नूं कर दिंदा। भला जे कोई तप कर रहा सी तां किसे नूं की तकलीफ सी। ब्रह्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वह अपनी ही धी का बलात्कार करने उतर आया। सीता जी नूं उधालिया गया ते द्रौपदी नूं नंगा किया गया। बलात्कार उधालण ते नंगे करन वर्गे लफ्ज़ बुढ़ी जानण दे दिमाग विच बंब वांग फट दे ते उह घूरी वट के कहिंदी, नी चुप भी करेंगी कि पूरा पीड़ ला के हटेंगी। तेरा प्यो ते ताया कोल बैठे आ, चबड़ चबड़ी करी जानी है, कुछ ते शर्म कर। सचमुच ही एक जैनी परिवार विच बजुर्ग दे सामने कुवारी कुड़ी दे मूहों इहो जिहे लफ्ज़ बेशर्मी दी हद सी। बुढ़ी भावें मिनी नूं विच विच टोकदी रहिंदी सी पर गल्लां दा कानरस उस नूं भी बड़ा सी। जदों मिनी चुप हो जांदी तां उह फिर कोई गल करके गल्लबात दुबारा शुरू करवा दिंदी, जिवें कह दिंदी, हुण ते रिश्वत ही बड़ी वध गई है, पहले जमाने विच इन्नी रिश्वत ते नहीं सी ना हुंदी। हुण ते हर दफ्तर विच जिथे जाओ पहला रिश्वत ते फिर होर कोई गल। इस तरह उन्ना चिर तक गल नाल गल जोड़ी ही जांदी। जिन्ना चिर मिनी जां हरीश जां होर कोई अगों कोई गल ना शुरू करदा। रिश्वत दे मामले च मिनी बड़ा स्पष्ट सी। उहदा ख्याल सी कि जिन्ना चिर तक मंदरां गुरद्वारियां ते मस्जिदां विच चढ़ावा चढ़ाउणा बंद नहीं हुंदा उन्ना चिर तक रिश्वत बंद नहीं हो सकदी। उह कहिंदी, जदों इह सुखना सुखी जांदी है कि हे महावीर, मेरे छेवीं विच पढ़दे नलायक पुत नूं फस्ट डिवीजन विच पास करवा दे, मैं पर्युषण पर्व विच 11 रुपए दा प्रसाद चढ़ावांगी। अजे उह गल कर रही हुंदी तां बुढ़ी जैनण छेती छेती अपने आसे पासे ते अगे पिछे वेखण लग पैंदी ते कहिंदी, मैनू लगदा है तूं अज उहदे कोलों गुत पटवा के ही हटेंगी। जे उह सुण लैंदा तां उहने हुणे ही भुड़कण लग पैणा सी। बाद विच मैनू पता लगा कि इह सुखना हरीश दी मां ने हरीश लई सुखी सी। जदों उह छेवीं विच पढ़दा सी ते उह पढ़ाई विच इन्ना निकम्मा सी कि उहदी पास होण दी उका ही कोई आस नहीं सी। एक वार हरीश दी मां ने पहलां भी सुखना सुखी सी कि जे हरीश पास हो जावे तां मैं 5 रुपए दा प्रसाद चढ़ावांगी।
उसने प्रसाद की रकम दुगनी करके 11 रुपए कर दिती सी ते नाल ही पास होने तो इलावा फस्ट डिवीजन आने की भी शर्त रख दिती सी। मिनी ने उदों की यह गल फड़ लई सी ते जिथे किते भी रिश्वत ना हटन की गल कर दी अपने भरा की छेवीं जमात वाली घटना इस गल नाल जोड़ दिंदी। भैन भरा दा कई बार झगड़ा हो चुका सी। फिर मिनी ने मैनू भी अपनी गल विच कसीड़ लिया ते कहा चल कुलबीर तू दस जे रब सिर्फ 11 रुपए लैके एक नलायक नू फस्ट डिवीजन विच पास करवा सकता है तां कोई सरकारी कलर्क जां अफसर पैसे क्यों ना लवे जिसने काम करके सचमुच ही हाथ फड़ा देना हुंदा। इसे तरह ही अफसरां दी रिश्वत कलर्कां नालों वध हुंदी है जां इह काम दे हिसाब नाल हुंदी। पहली बार मम्मी ने महावीर जी नू 5 रुपए रिश्वत देनी मन्नी सी, बाद विच काम वध गया ते नाल रिश्वत दी रकम भी वध गई ते ओह काम किहड़ा हो गया सी, मेरी सुखना ते पूरी ही ना हुई। मम्मी वह काम होने वाला ही नहीं सी। फस्ट डिवीजन विच पास करवाउण लई महावीर जी नू आप हरीश दे थां बैठ के इम्तिहान देना पैना सी, पर वह बेचारे तो आप अनपढ़ सन, फिर पेपर लिखदा कौन। बुढ़ी समेत दूजे दो बुढ़े भी कन्नां दियां करूंबलां थले नू खिंचण लग पैंदे ते कहिंदे इन्ना घमंड दो जमातां पढ़ की गई है, महावीर नू भी अनपढ़ दसदी है, की बनू इस कुड़ी दा, ये कम्यूनिस्ट हो गई है। बुढ़ी फट गिला वत्तर सांभ लैंदी ते कहिंदी मैं तां कहिंनी आ विआह कर दईए इहदा। मिनी मेरे वल मूँह करके कहिंदी कुलबीर तूं हरियाणे दे जाटां वाली गल सुणीए, एक तेली ते जाट लड़ पए। तेली ने कहा जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। जाट नू अगों कोई होर गल ना औड़ी तां उहने कहा तेली रे तेली तेरे सिर पे कोलू। कोल खलोते एक बंदे ने पुछया ये की गल बनी। गल ते नहीं बनी पर कोलू दा भार ते लगुई। वह गल मम्मी दी है कि इस गल दा विआह नाल कोई संबंध है। इस तरह यह बड़ी दिलचस्प ते खट्टी मिट्टी नोक झोक जी चलती रहिंदी। विच विच कई जबड़ियां मैं भी वढ दिंदा। गल्लां गल्लां विच मिनी दे परिवार दे लोक उन्हूं धर्म विरुद्ध गल्लां करन ते पाप लगन दा डरावा भी देंदे रहिंदे ते नरक विच सुट्टे जाण दा डर भी देंदे, पर इन्हां गल्लां नूं ना ओह मंनदी सी ते ना ही उस मलूक जिही कुड़ी नूं डर ही लगदा सी। ओह बरटेंड रसल नां दे इक विद्वान दा रसाला दे के दसदी कि उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मैं ईसाई क्यों हाँ। ईसाई एक ही जन्म मनते हैं तो नरक स्वर्ग में सुटे जाने की गल भी करते हैं। बरटेंड रसल ने कहा कि मैं हुण तक जिन्हें भी पाप किए होण ते जिन्हें करन लई सोचे होण पर कर ना सकिया होवां वो सारे ही अगर जे किसी सख्त तो सख्त जज अगे भी मन जावा तो मैनू 4-5 सालों तो वध सधारण कैद की सज़ा नहीं हो सकती। इदां दियां विधवता भरपूर ते उच्चियां सुच्चियां गल्लां सुन के बुढ़ी नूं अपनी विद्वान धी ते बड़ा नाज ते फखर महसूस हुंदा ते उहदा मत्था चुम के उह कहिंदी जींदी रहे मेरी धी, किते मेरी ही नज़र ना लग जावे, किड्डियां किड्डियां सुआदी गल्लां करदी है। इदां दियां गल्लां तां मैं कदे सत संग विच भी नहीं सुनियां, पर जैनी हर वेले पाप दे डर तों अंदरों अंदर डरदा रहिंदा है। पर जे कोई कह देवे कि पाप नहीं लग सकता तां उहनां नूं बड़ा हौसला मिलदा है। मिनी दियां गल्लां भी उहनां नूं बड़ा हौसला दिंदियां सन, पर जैन संस्कारां तों भी डरदे रहिंदे सन। मिनी दियां इह गल्लां सुण के मैनूं अपने बचपन दे उह दिन याद आ जांदे जदों मैं ते मेरे नाल दे दूजी तीजी विच पढ़दे 5-6 साथी स्कूल पढ़न जांदे हुंदे सन। स्कूल दे राह विच इक शमशान घाट सी जिसदा विरला जिहा लोहे दा गेट सड़क दे ऐन कंढे ते पैंदा सी ते उस गेट दे अंदरों वह बहुत ही वड्डा सारा वरांडा सारे दा सारा दिसदा सी जिस दियां कंधां ते धर्मराज दी कचहरी जिथे मर के गए प्राणियां दा लेखा जोखा सजावां मुआफियां ते नरक स्वर्ग विच भेजण दे फैसले हुंदे चित्रे गए सन। एक चित्र विच संडे ते सवार जमदूत नूं मातलोक वल नूं आउंदा विखाया गया सी। मातलोक विच कुछ लोग आपो अपने कारो विहार करदे विखाए गए सन जिन्हां दे मोढ़ियां ते दो निक्के निक्के गुड्डियां जिहियां वर्गे पुतले जे चित्र गुप्त विखाए हुए सन। उन्हां दे हाथ विच कापियां ते लिखण नूं जानवरां दे खंभ फड़े हुए सन।
उन्हां दे लिखे अनुसार ही दूसरे चित्र विच धर्मराज फैसले कर रहा विखाया होया सी। अगे एक वड्डा सारा कड़ाया तेल नाल भरिया होया पिया सी, जिस दे थले तईया तै अग बल रही सी ते कड़ाए दा तेल खौल रहा सी, जिस विच एक पापी ऐलाने जा चुके बंदे नूं सुट्टण लई जलाद तैयार सन, बल्कि उन्होंने उस बंदे नूं अपनियां मजबूत बाहवां नाल चुकिया होया सी ते हुण सुट्टिया कि कदों सुट्टिया वाला दृश्य सी। उस तों अगले चित्र विच एक खूबसूरत लंबे वालां वाली सुंदर ते जवान औरत नूं अग विच सुट्टण लई फड़ के लई जांदे जलादां दा डरावना चित्र सी। उस तों अगले चित्र वेखण लई सानूं गेट दे बिल्कुल खब्बे पासे वल खलो के वेखणा पैंदा सी। इह चित्र भी बहुत डरावना सी। एक सूदखोर जे मोटे ढिड वाले लाले दीआं लत्तां ढिड पट्टां ते बाहां विच्चों लंबे लंबे सुंडियां वर्गे कीड़े निकलदे वड़दे विखाए गए सन। इसे तरह जिहड़ा झूठ बोले उहनूं कोड़ियां दी मार पैंदी, जिहड़ा जानवरां नूं मारे उहदी पुठा करके खल लैंदी, जिहड़ा शराब पीवे उहदे मूंह विच दगदा कोला रखण, अते इस तरह दे होर भी बहुत सारे दिल कंबाऊ चित्र सन। इन्हां चित्रां नूं असीं ना चाहुंदे होए भी कोलों लंघ के स्कूल जाण वेले आउण वेले जरूर वेखदे सां। सानूं पंजां छिआं मुंडियां दी ढाणी नूं गेट लागे खलो के गौ नाल वेखदियां नूं समझाउण वास्ते एक जटां वाला बाबा आ जांदा सी ते सानूं इकल्ले इकल्ले चित्र बारे समझाउंदा सी। औरत बारे उह कहिंदा, इवे बिचारी औरत है जो अपने पति तो इलावा होर किसे नाल भी भोग करदी सी, इहो जिहियां दा इही हाल हुंदा है। उदों सानूं ना तां बेबिचार दा पता हुंदा सी ते ना ही भोग दा। जिस मोटे बंदे दे शरीर विच कीड़े निकलदे वड़दे सन उह लोकां नूं ते खासकर गरीबां नूं लुट्टण वाला सी। मुरदे साड़न वाला उह बाबा कहिंदा, इन्हां कीड़ियां दी तकलीफ नाल ते अग विच सड़न नाल बंदा मरदा भी नहीं, बस दुख ही भोगदा है। नरक दा दृश्य बरांडे दी खब्बी बाही वाले पासे पूरी कंध उत्ते सी। पेशाब टट्टी ते गंद मंद विच खलोते लोग ही रोटी खांदे अते पानी पींदे विखाए गए सन। उन्हां दे सौण लई भी कोई थां नहीं सी, उह सारे भी जिंदगी दे दुख उठा रहे सन। सज्जे पासे वाली कंध ते बहुत ही सुंदर चित्र सी। सुंदर बाग, सोने दे सेब लटकते ते सोने दे फलां वाले ही होर दरख्तां दे थले अध नंगियां गहणियां नाल लदियां बहुत ही सुंदर औरतां विखाईयां गईयां सन, जिन्हां नूं पुजारी परियां कहिंदा सी। बाग दे विच्चों दी इक नदी वगदी विखाई गई सी, जिस दा पानी बहुत चिट्टा सी। असल विच उह पानी नहीं दुध दी नदी सी। उस नदी दे कंढे ते दोहीं पासी बड़ी हरियाली सी ते दरख्तां दे थले पलंग डठे होए सन। उन्हां ते राजियां वर्गे कपड़े पाई मोटे मोटे मणकियां वालियां माला ते सिर ते चिट्टियां कलगियां लाई राजियां वर्गे बंदे बैठे सन, जिन्हां नूं भरियां सुराइयां विच्चों गलास विच पा पा के शराब फड़ाउंदियां सन। कई राजे अध लेटे पए सन ते उह सुंदर औरतां वी किसे किसे राजे ते एक ते किसे किसे ते दो लेटियां होईयां सन। उन्हां दे मूँह राजां दे मूँहां दे बहुत नेड़े करके विखाए गए सन। इह चित्र साडियां अखां नूं बहुत चंगा लगदा ते तसल्ली भी दिंदा कि असीं ते चंगे काम करके स्वर्गां विच ही जावांगे, पर साडा तोर अंदर तक दिल कंब जांदा जदों असीं न्याणे आपस विच गल्लां करदे, यार कल मैं एक चूहा मार दिता सी किते उहदा पाप तां नहीं मैनूं लगू। दूजा कहिंदा, भरावा कल साडे घर परौणे आए ते पापा जी आखण लगे जा बाहरों अपना लाल कुकड़ वड्डियां खारां वाला फड़ के लिया, वड्डिया ते उहनूं मेरे चाचे ने सी पर फड़ के ते मैं ही लियाया सन। इस तरह असीं अपने आप नूं गुनाहां विच ग्रसे होए ते पापी ठहराउंदे होए भारे कदमां नाल तुरे जांदे ते दिल ही दिल विच पछताउंदे भी जांदे। इस तरह सोचां विच डुब्बियां नूं सानूं पता ही ना लगदा कि कदों साडा स्कूल आ गया है। जरा ध्यान नाल सोचिए तां ब्राह्मण दे बनाए होए इस जाल दी पूरी समझ लग जांदी है। ब्राह्मण ने कहा, इत्थे मैनूं दान दिओ, स्वर्ग विच तुहानूं कई हज़ार गुणा वध मिलेगा। इत्थे शराब ना पियो, पर नाल ही इह वी लालच दित्ता कि स्वर्गां विच तुहानूं उह सारे सुख मिलणगे जिहड़े इत्थे मना हन।
इस विच पर इस्त्री भोग तो भी छोट मिल गई। गल कि वह सारे सुख जेड़े इस जन्म विच इस धरती ते मना हन पर स्वर्ग विच वह आम हन। शर्त है कि ब्राह्मण की सेवा करनी पवेगी ते उस दे दसे अनुसार चलना पवेगा। ब्राह्मण दे इस सिद्धांत नूं लगभग सारे ही धर्मां ने अपने अपने ढंग नाल अपनाया है। इस्त्री नूं स्वर्ग विच भी आजाद दर्जा नहीं दिता गया। स्वर्ग विच भी इस्त्री भोग की वस्तु ही है। मुसलमान धर्म यह तो कहिंदा है कि जन्नत विच एक एक मुसलमान नूं 70-70 परियां मिलणगियां, पर औरत नूं किन्ने दिओ मिलणगे इस गल का कोई जिक्र नहीं करता। मनुख इस आस ते जींदा है कि भावें मैनू इत्थे कोई सुख नहीं मिलिया पर स्वर्ग विच जा के मैनू सारे सुख मिलणगे। इसे लई अखां मीट के मनुख धर्म विच विश्वास करदा जिंदगी गुजारदा है। गुरद्वारियां विच ग्रंथी इन बिन ब्राह्मण दे सिद्धांत ते चलदा होया यही गल्लां करदा है। ग्रंथियां अते कीर्तनियां दीआं इहो जिहियां गल्लां विचों गुरुआं दे सिद्धांत ते जीवन जाच हौली हौली अलोप हुंदी जा रही है ते सिख भी हिंदू ही बनता जा रहा है। इस तरह के चित्रां वाला यह कोई इकला शमशान घाट नहीं सी। इस शहर विच जिन्ने भी शमशान घाट हन सब विच ही इस तरह की चित्रकारी होई होई है। बल्कि हरियाणे विच तां इस तरह के कई चित्र सीमेंट के भी बनाए हुए हैं। हरियाणे के जींद शहर के शमशान घाट विच बहुत चित्र ऐसे हैं जिन्हां नूं वेख के बंदे दे धोर अंदर डर की तार कौंद जाती है। अपने बचपन के वेखे हुए ये चित्र मैं अज तक नहीं भुल सकिया। मेरा बचपन बहुत ही डर डर के लंघिया है। वड्डे हो के भी किसी की अर्थी नाल जाना पैंदा है तां यही चित्र अगों दिसदे हन। सिखां दे शमशान घाट हिंदुआं नाल सांझे होण करके दोवां ते ही बराबर हिंदू संस्कृति का प्रभाव पैंदा है। भावें सिख जिन्ना मर्जी आखण साडा धर्म वक्खरा है पर शमशान घाटां दा डर तां इको जिहा ही है। भावें बाणी कुछ वक्खरा भी कहिंदी होवे तां वी सिख हिंदू सोच नाल रलगड होए बिना नहीं रह सकदे। शहरां विच तां बातां सुनाउण वाली दादी भी हिंदू ते सिख दी इको ही हुंदी है। फिर दोवां धर्मां दा फर्क किवें उभर के सामने आवे। असल विच हिंदुआं वांग जैन धर्म विच भी पाप ते पाप दी सज़ा इन्नी वार लोकां सामने दोहराई गई है कि हर जैनी अपने आप नूं कसूरवार ते सज़ा दा भागीदार समझदा है। इस तरह कोर नरक दे डर तों डरिया रहिंदा है। मिनी दीआं इस तरह दीआं चढ़दी कला वालीआं गल्लां उहनां नूं हौसला दिंदीआं सन, पर यह तरंग थोड़े समय की ही होंदी। जदों उन्हां नूं ख्याल आ जांदा कि यह गल्लां तां किसे बरटेंड रसल ने कहीआं हन, जैनियां दे किसे गुरु ने थोड़ा आखियां हन, यह विचार आउंदिआं ही उन्हां दा मूँह भैड़ा जिहा हो जांदा ते नरक दा डर फिर उन्हां ते भारू हो जांदा। जे इहो ही गल कोई जैनी गुरु कहिंदा फिर वह मन्नण योग होनी सी। ईसाइयां दा की है, वह तो एवें कई गल्लां इधर उधर दीआं करदे रहिंदे हन। ईसाई धर्म जां कोई होर धर्म जैन धर्म दे पाए दे थोड़ा हन, बस बिल्कुल इहो गल ही सिख धर्म दी है। सिख परिवारां विच भी लगभग इहो जिहियां गल्लां ही हुंदियां हन। सिख किसे विद्वान दी गल नालों अनपढ़ कथावाचक दी गल नूं ज्यादा ध्यान नाल सुणदे हन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कईआं थावां ते स्वर्ग नरक दा खंडन है ते कई थाई नहीं। डर ते अणजाणिया भौ सिखां दे मनां विच भी बैठा होया है। इसे लई ही सिख ते इथों तक कि अमरधारी सिंह भी समाधां ते मड़ियां आदि थावां ते मत्था टेक देंदे हन। वड़भाग सिंह दे डेरे, धीर मलियां, राम राइयां दे डेरे ते जिथे जाणा तां कि सुपने विच भी इन्हां थावां दा ध्यान मन विच लिआउणा ते इन्हां नाल कोई मेल मिलाप रखना सिख धर्म विच मना है। उत्थे अमरधारी सिंह शब्द पढ़न जांदे हन। इस विज्ञानक युग विच भी कई सिख कहिंदे हन कि सुल्तानपुर लोधी एक ऐसी जगह है जिथे तेईये ताप कैद किया होया है। हुण भी सिख तेईया बुखार चढ़न ते उत्थे जांदे हन ते नक रगड़दे हन। इस विज्ञानक युग विच भी सिखां दे अनपढ़ता दी दलदल च निगर जाण दीआं निशानियां मौजूद हन। असल विच सिख हो रिहा ही नहीं जो गुरु नानक साहब जी ते बाद विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे बाटे दा अमृत छका के सजाया सी। हुण तां इह भुलेखियां भेख गलत फहमी दा शिकार एक पुतला मात्र प्राणी है।
ਜੋ ਲਾਈ ਲਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗੌਣ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੇਂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੰਢ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਇਹਦਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਆਖੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਪਾ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸੋਮਰਸ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐੱਲ ਐੱਸ ਡੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੱਗ ਅਤੇ ਮਹਾਂਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਭਗਤ ਗਊ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਦਰਿਆ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਡੈਕਸ ਹੈਕਸਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੋਰ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐੱਲ ਐੱਸ ਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਮਾਇਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਆਦਿ ਲਿਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਕੇ ਕਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਏਡਾ ਝੁੱਡੂ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੁੱਢਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਆਹੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਦੀ ਆਖੇ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਦੇ ਆਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਮਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ। ਹਰੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀ? ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਖੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਛੱਡਿਆ।
राम ने लक्ष्मण नूं सरूप नका दा नक वड्ढण दी इजाजत दे दित्ती। सगों रावण चंगा रहा जिन्हें बदला नहीं लिया, नहीं तो सीता दा नक तां कट ही सकदा सी, इसलिए उह हक बजानब भी सी। जे राम जी दी नज़र विच उह शक्की ही सी तां फिर उस भगवान रूपी राम विच ते आम पति विच की फर्क होया। असल विच राम दी जे कोई कदर अज हिंदू समाज विच है ता ओ सिर्फ इस करके है कि उसने मनुसिमृति का पालन किया, जो हिंदुओं नूं बहुत ही चंगा लगता है। नहीं तो राम की सारी कहानी एक निजी जी है, तो निजी कहानियों विच कोई दिलचस्पी नहीं लैंदा। नाले जदों सीता जी नूं रावण कोलों छुड़ा लिया सी तां राम जी ने तां उदों ही मूँह पाड़ के आख दिता सी, ऐ औरत तू ये ना समझी कि मैं तेरे करके लंका नाल युद्ध छेड़िया सी, मैं तो मर्यादा का पालन किया है। अजे भी कोई शक की गुंजाइश बाकी बचती है। मिनी ये कह के एक तरह नाल हरीश की मदद कर देंदी ते इस तरह गल अगे तुर पैंदी। हरीश कहिंदा हिंदू धर्म विच शक्तिशाली राजा पाप ते पुन तो परे जो मन्या गया है, इस सिद्धांत अनुसार ही के कई की गल नामंजूर भी की जा सकती सी। उसका पुत्र भरत तो अगे ही रामचंद्र जी दे नाल ही सी, फिर वो मेरे वल सीधा हो पैंदा। कुलबीर तुसी भी राम नूं मानदे हो? मैं कहिंदा नहीं, असी तां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मानदे हां, होर किसे नूं नहीं। पर विचों मैनूं इस तरह लगदा जिवें मैं झूठ बोल रहा होवां, क्योंकि दिवाली तो पहला ही एक दिन साढ़े घर पिन्नियां ते पेठे वर्गियां सियालू मठियाईयां बनदियां सन, ते मेरा सारा परिवार बड़े उत्साह नाल दिवाली वाले दिन नठ भज के दीवे ते मोमबत्तियां जगाउंदा सी। मेरी माता तां अपने डंगरां वाली रूड़ी ते भी दीवा जगाउंदी सी ते कहिंदी सी कि अज दे दिन रूड़ी ते दीवा जगाईए तां माल डंगर तंदुरुस्त रहिंदा है। फिर हरीश मैनूं अगला सवाल कर दिंदा, जे मनदे नहीं तां फिर दुशहरा दिवाली क्यों मनाउंदे हो? मैनूं इस तरह लगदा जिवें मेरी चोरी फड़ी गई होवे ते मैं फट कहिंदा असीं रामचंद्र करके थोड़ा मनाउंदे हां। उस दिन तां साडे छेवें गुरु जी नूं जहांगीर दी कैद अते ग्वालियर दे किले विचों रिहाई मिली सी। इह गल मैं कुछ महीने पहलां ही किसे किताब विच पढ़ी सी, जिस नूं इत्थे वरत के मैं शर्मिंदा होणों बचिया सां। पर मैं फिर भी दावे नाल कह सकदा हाँ कि 90% सिखां नूं अजे भी इस गल का पता नहीं। जे दिवाली वाले दिन ही तुहाडा गुरु जेल विचों छुट्टिया सी तां तुसीं इहनूं जरूर दिवाली वाले दिन ही मनाउणा है, एक अद्धा दिन अगे पिछे नहीं सी कर सकदे। मैं झट कहिंदा लै इदां कोई दिन त्यौहार अगे पिछे किवें हो सकदा है? ते फिर मदद वास्ते मिन्नी वल वेखदा, उह चुप कर रहिंदी। पर तुहाडी एक लड़ाई शायद फिरोजपुर दी के पता नहीं मुक्तसर दी गर्मियां विच होई सी, पर तुसीं उहनूं हर सियाल दे सब तो ठंडे महीने माघ विच मनाउंदे हो। जे तुसीं किसे त्यौहार नूं 6 महीने अगां पिछां कर सकदे हो तां गुरू जी दी रिहाई दी खुशी मनाउण वाला दिन दिवाली तों एक दिन अगे जां 5 दिन पिछे नहीं सी कर सकदे। मैं निरउत्तर हो जांदा ते सोचण लग पैंदा कि इहनूं मुक्तसर दी माघी दा किवें पता है। फिर मैनूं याद आउंदा ओहो मैं ही तां इहनूं इह सारी गल दसी सी जदों इह रौह दी खीर बनाउण लई मेरे फार्म विच गन्नियां दी रौह लैण आया सी। इस तरह मैं शर्मिंदा जिहा हो के चुप कर जांदा ते हरीश मिन्नी नूं कहिंदा मिन्नी तूं वेख लई इहनां सिखां ने भी अपने जैनियां वांग हिंदू रूपी अजगर दे मूँह विच चले जाणा है, ते जिद्दां आपां नूं पता नहीं ना लगा इन्हां सिखां नूं नहीं लगण। यह सख्त टिप्पणी सुन के भी मेरी विरोधता वास्ते जुबान ना खोलदी। पता नहीं गल सच्ची सी जां मेरा ज्ञान ही घट सी, मेरी जीभ नूं ताला लग जांदा ते मैं कुछ ना बोल सकदा। मिन्नी सिर्फ इन्ना ही कहिंदी हाँ यह तां है। बाकी सारे बुढ़े जैनी डिगर डिगर वेखी जांदे, बल्कि असीं सारे ही एक दूजे वल वेखी जांदे ते बोलदे कुछ ना, पर मेरे अंदर एक युद्ध जिहा चलण लग पैंदा ते मेरा दिल यह कदे ना मनदा कि सिख भी कदी निकले जा सकदे हन। साडियां कुरबानियां बहुत हन, असीं जैनियां वांग नहीं निकले जा सकदे। जैनियां ने मनुखता लई कीता ही की है। पता नहीं मेरे मूँह किवें यह लफ्ज उच्ची सारी निकल जांदे जद हरीश कहिंदा कुरबानी तां बकरियां दी भी बहुत हुंदी है,
पर अज तक किसी बकरे की कबर बनी वेखी है जिसते दीवे जगदे हो। तुसीं तां भारत के बकरे हो, कि तुहाड़ी सिखां दी कुरबानी ते बकरियां दी कुरबानी विच कोई फर्क है? बकरियां नूं छोले चारे मोटे कीते ते वढ लिया, तुहानूं फौज विच भर्ती कीता, बकरियां वांग ही तुहाड़ी परवरिश कीती ते जंग विच झोक दिता। ना अज तक कदे बकरियां ने वढण वेले इतराज़ कीता है ते ना तुसीं ही करदे हो। बकरियां नूं वी कुरबानी दा फखर है, तुहानूं वी है। अंग्रेज़ां ने तुहानूं फौज विच भर्ती करके तुहाड़े नाल दूजी संसार जंग लड़ी, पर अखीर तुहानूं बकरे समझ के भारत सरकार नूं सौंप के चले गए। हुण तुसीं भारत सरकार दे बकरे हो। वाही ते फाही तों बिना होर तुहानूं आउंदा ही की है? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, तुसां अपनियां ट्रालियां ते लखवा लिया। उन्हें इको ही नारा ला के दोवें ही बकरे खुश कर ले, वाही वाले भी ते फाही वाले भी। तुहाड़ा एक तबका ड्राइवरां ते ट्रांसपोर्टरां दा है, जो हर वेले रिपेयर ते स्पेयर पार्ट्स के चक्करां विच ही पिया रहिंदा है। कदे टायर है नहीं, कदे इंजन बह गया, कोई होर काम भी है सिखां दे हाथ विच। मैं कहिंदा है क्यों नहीं, शहरां विच साडियां दुकानां हन, एजेंसियां हन। वह कहिंदा वह तां पापियां दीआं हन, पापे तां धंधे दे सिख हन। फिर उसने एक चुटकला सुनाया, आखिर एक पापे नूं अदालत विच जज ने पुछया, जदों तू दूसरे बंदे ते पस्तौल तान ही लिया सी तां फिर गोली क्यों ना चलाई? उन्हें कहा, हजूर चलाउण ही लगा सां। इसने अगों पुछ लिया, पस्तौल वेचणी हो किन्ने दी? जी जदों बिजनेस डील होण लग पवे फिर दुश्मनी काहदी ते मैं गोली किवें चलाउंदा? फिर तुहाड़ा की ख्याल है कि तुहाड़ियां पुराने जमाने विच होईयां मुगलां नाल लड़ाइयां ते हुण आजाद भारत दीआं एजीटेशनां शहरी दुकानदार सिखां ने लड़ियां हन? ना तां नौकरी पेशा लोक सरकार नाल पंगा लै सकदे हन ते ना दुकानदारी वाले लोग, भावें उह जैनी होण, हिंदू होण, मुसलमान होण जां सिख होण। क्योंकि जे 10 दिन भी दुकान बंद रह गई तां सारे गाहक टुट जांदे हन। जिस कोलों लैणा होवे उह देंदा नहीं, जिहनूं देणा होवे उह साह नहीं लैण दिंदा। फिर वह अपने ताए नूं पुछदा, वड्डे पापा तुहाड़ा वह किहड़ा सिख यार हुंदा सी जिहदे नाल बह के तुसीं मुल्तानी हलवाई कोलों पतीसा ते गर्म गर्म गुलाब जामुन मंगवा मंगवा के खांदे हुंदे सी? वह जिहड़ा ऐतवार वाले दिन भी 3-4 वार अपनी बंद दुकान ते आ के बैठा रहिंदा हुंदा सी, जिहनूं तुसीं आंदे हुंदे सो ऐतवार ते घर टिक दिया कर, सतवें दिन ते एक छुट्टी कर लिया कर। ते वह आंदा हुंदा सी, जे अज भी दुकान खुली हुंदी ते 4 पैसे आउंदे ही ना, घर बह के मैं की करना सी? फिर वह सरकार नूं बुरा भला कहण लग पैंदा सी जिसने ऐतवार नूं दुकानां बंद रखण दा कानून बनाया है। ना की सी भला उहदा? ताया कहिंदा अवतार सिंह सी कि मर गया पिछले साल, विचारा चंगा हुंदा सी। वेख लै, दुकान ते ही मरिया सी विचारा। डाक्टर ने भी आख्या सी भई मंजे तो पैर थले नहीं लाउणा, पर वह जिद करके दुकान ते आया, गद्दी ते बैठा ही मर गया। फिर तुसीं ही दसो इहो जिहे लोक जेल कट सकदे हन? दूजे पासे पेंडू सिख हन, उहनां दी तां उह गल है जिवें किसी ने पुछया लंडिया तैनूं चोर लै जाण, उहने कहा यारां ने ते पट्ठे ही खाणे आ, जिहड़ा मर्जी लै जावे। पेंडू तां वांडे गए होए भी 10-10 दिन तक घर नहीं मुड़दे, जेल उहनां दा की बिगाड़ सकदी है? हाड़ी बीज जांदे हन, सौणी जेलों आ के बीज लैंदे हन। किसे सिख नूं तां जेल इन्नी पसंद आई कि उन्हें गाना ही बना लिया, वेखी घर नालों चंगी जेल, जिथे पैण सौण नूं वेल, डाढ़ा सवाद आउंदा है, आओ भाउ मेरे वोए तुहानूं पंथ बुलाउंदा है। अपने भरा वांग मिन्नी भी बड़ी मूँह फट ते हर गल नूं अगले दे मूँह ते ही कह देण वाली कुड़ी सी। किसी जायज़ गल उत्ते उहनूं इस गल दा फिकर नहीं सी हुंदा कि उहदी गल दा कोई बुरा मन जाएगा। जदों कोई पंजाबी उस सामने हिंदी बोलदा तां उह उहदा बहुत मजाक उड़ाउंदी। एक बार जलंधर विच पंजाबी सूबा लैण दे हक विच अकालियां वल्लों जुलूस कढ़िया गया, सारियां सड़कां बंद होण करके मिनी दी एक स्कूली सहेली नूं मजबूरन मिनी दे घर रुकना पिया। वह कुड़ी मिनी
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਲੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਆਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੁਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਔਂਤਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਫੜ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬੈਦਾ। ਕਿਉਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਹਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਬੈਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਧੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੱਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਰੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ, ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖੇ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਵਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੋਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਚੀਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ 1995 ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਨੇ ਗਲੀਲੀਓ ਦੀ ਰੂਹ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਂਗ ਮੰਨੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੱਸੇ। ਕੋਲੰਬਸ ਸਪੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 90 ਮਲਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ 90 ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਲੋੜਾ ਆ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਲੱਭ ਹੀ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਹੀ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਉੱਡਦੇ ਦਿਸੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਜੀਲ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਦ ਤੱਕ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਥਾਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਧਿਆ ਹੋਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 500 ਸਫ਼ਾ ਇੰਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ 500 ਸਫ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜੀਸਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਈਸੈਨੀਸ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਈਸੈਨੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਮਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮਰ ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਗਵਾਹ ਡਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ
जिहदा सिर वढ़िया गया सी ते फिर भी वह भज्जा जांदा सी ते फौजां नूं मारदा जांदा सी ते अंबरसर तुहाडे वड्डे मंदर विच जा डिग्गा सी। मैं कहिंदा कि उह बाबा दीप सिंह जी सन, उन्हां दी उम्र 80 साल सी ते उन्हां दा खंडा 18 सेर दा सी, जिन्हों कोई चज नाल चुक भी नहीं सी सकदा। उन्हां दा सीस वढ़िया गया सी, वड्डे होए सीस नाल ही बाबा जी ने कहा मेरा सिर मेरे हाथ ते रख दिओ। इस तरह लड़दे लड़दे वह दरबार साहब तो 2 फरलांग उरे डिग पैण लगे तां किसे ने उन्हां नूं चेता कराया बाबा जी तुसां ने दरबार साहब पहुँच के सिर देना सी, हुण इत्थे ही डिगण लगे हो। तां उन्हां ने जोर नाल अपने सीस नूं वगा के मारिया, लत्था होया सीस दरबार साहब की परिक्रमा विच जा डिगा। उत्थे एक पासे उन्हां दी यादगार बनी हुई है। सारे बड़े गंभीर हो के गल सुणदे, पर सिर एक बार पूरा कट के थले डिग पैण ते फिर 6 मील लड़दे जाना ते 2 फरलांग तो सीस सुटना उन्हां दे मनण विच ना आउंदा। फिर हरीश कोई खुल के टिप्पणी तो ना करता, क्योंकि उसनू पता सी कि सिख अपने धर्म के मामले विच बड़े कपत्ते हुंदे हन ते किसे दी कोई दलील जां गल सुन तो पहला ही मारो मारी ते उत्तर आउंदे हन। सिर्फ इन्ना को कहिंदा, देख बई कुलबीर, किसी डॉक्टर नू पुछ के वेख लै। सारे कहणगे कि जदों बंदे दे सिर दा कनैक्शन धड़ नालों कट्टिया जावे, जिवें पानी विच डुब के साह बंद हो जांदा है, ते जां सिर कट्टे जाण ते जदों आक्सीजन दी सप्लाई दिमाग तक नहीं पहुँचदी तां दिमाग दीआं लखां ही बरीक बरीक नाड़ियां 5 मिंटां तों बाद टुट्टण लग पैंदियां हन ते 1.5-2 मिंट विच पूरी तरह टुट जांदियां हन। एक बार नाड़ां दा जाल टुट जावे ते जे बंदा बच भी जावे तां पत्थर दे बंदे विच कोई फर्क नहीं रहिंदा, बस डुन वट्टा बन जांदा है। तां ही तां डाक्टर दिल फेल होण ते छेती छेती मरीज़ दे मूँह विच मूँह पा के बनौटी साह देण दी कोशिश करदे हन तां कि दिमाग दीआं नाड़ियां टुट ना जाण। फिर उह गल विच्चे छड्ड के कहिंदा, तैनूं दसण दा की फायदा, तूं किते किड्डा को समझदार है। मैं फट कहिंदा, शर्म कर शर्म, आ पिछले इम्तिहान च मेरे तेरे नालों ज़्यादा नंबर सन, तूं तां एक सबजैक्ट विचों फेल भी होया सी। फिर वह ढीठ जिहा हो के कहिंदा, लै नंबरां नाल की हुंदा है। फिर वह इसे गल नूं राजस्थानी विच दोहरा के हथ नचाउंदा, इसे क्या होवे। ये गल्लां वह झेंप मटाउण नूं कहिंदा, क्योंकि उहदे प्यो सामने मैं उहदी नलायकी जू जाहर कर दिंदा। फिर वह अपनी भैण नूं कहिंदा, मिनी ये साडे कालज दा 1 नंबर दा मूँह फट है, इहदे कोलों ते बाबा सारे प्रोफैसर भी डरदे आ, एक दिन प्रिंसीपल नूं भी पै गया सी। मिनी कहिंदी, क्यों? राष्ट्रपति डॉक्टर रजिंदर प्रसाद जी ने DAV कॉलेज आउणा सी, उहनां नूं NCC आर्मी विंग ने सलामी देनी सी, इह NCC राइफल दा अंडर अफसर है। प्रिंसीपल नूं इहने कहा, जां ते NCC राइफल्स भी भाग लवेगी, नहीं ते कोई भी सलामी नहीं देवेगा। प्रिंसीपल साहब इस मामूली दिहाती अगे झुक गए। इन्हें आर्मी विंग दे अंडर अफसर दे नाल खलो के आकड़ के फोटो खिंचवाई, उदन दा ही आकड़िया फिरदा। फिर मेरे वाल हाथ करके कहिंदा, वेख ते सही किदां अंदरों अंदरी खुश हो रहा है। उहदियां उह गल्लां सारिआं नूं दसणियां मैनूं भी चंगीआं लगदियां सन। उहदी मां चाह लिआउण लई आवाज़ मारदी। उहदे प्यो दे इह कहिण ते कि इन्ने नास्तक हो जाना, हरीश कहिंदा, नहीं पापा, इस जन्म विच चाहुंदा होया भी मैं नास्तक नहीं बन सकदा। एक अंग्रेज़ ने किताब लिखी है, उस विच उन्हें कहा है, मेरा ईसाई धर्म तो विश्वास उठ गया है ते बाकी धर्मां तो भी उठ गया है, पर फिर भी किधरे गहरे विच जीसस मेरे मन विच बैठा है। इस तरह ही भावें मेरा भी हुण किसे धर्म विच कोई खास विश्वास नहीं, पर फिर भी भगवान महावीर मैनू नास्तक नहीं बन दिंदा। कई बार जैनी बुढ़ा मैनू पुछता, कुलबीर तुहाडे धर्म विच भी नरक स्वर्ग है कि नहीं? होना ही आ जी, गुरबाणी विच चित्रगुप्त जू सारा लेखा लिख के धर्मराज नू भेजदे हन लिखिया है, ते उहनां दे लिखे अनुसार किसे नू नरक ते किसे नू स्वर्ग मिलदा है। इस तों वध तां मैनू खास पता भी नहीं सी हुंदा। मिनी हस पैंदी ते अंग्रेजी विच कहिंदी, वेरी डिप्लोमैटिक रिप्लाई, बड़ा खचरा जवाब। पर हरीश कहिंदा, पापा,
इन्हां दे धर्म विच भी लगभग वह सब कुछ है जो हिंदू धर्म विच है। सिर्फ इन्हां दे गुरु जी ने यह सुधार किया है कि हिंदू धर्म विच आए सारे फजूल ते पुराने रिवाज जिवें जंजू पाउणा जां कोई मर जावे तां पुत्रां वल्लों सिर रुड्डा करवाउणा आदि ही हटाए हन, बाकी सब कुछ उवें ही है। हरीश यह उही लफ्ज दोहरा रहा सी जो साडा धार्मिक सिक्ख्या डिमरिटी वाला प्रोफेसर कहिंदा हुंदा सी। यह प्रोफेसर महात्मा गांधी नूं गोली मारन वाले नत्थू राम गौंडसे दा साथी सी ते गांधी दे कतल दा मुकदमा इहदे ते वी चलिया सी। नत्थू राम गौंडसे तां फाहे लग गया पर यह बरी हो गया सी। यह प्रोफेसर दसदा हुंदा सी कि वह हैड गेवार दा बड़ा गहरा प्रशंसक है। सिख धर्म बारे वह कहिंदा सी कि हिंदू ते सिख दोवें एक ही दरख्त दे दो टाण हन, पर पता नहीं इन्हां सिखां नूं पूरा दरख्त होण दा भुलेखा किने पा दिता है। भारत दा हिंदू चाहुंदा है कि भारत दा इतिहास आरियां दे आउण तों शुरू होवे ते सिख भी रिशियां मुनियां दे बनाए हुए जिंदगी गुजारन दे तरीके नूं मन्नण। शायद वह मनुवादी गल करनी चाहुंदा सी पर दलत मुंडियां करके नहीं सी करदा ते वल पा के कहिंदा सी। पर जदों सिख अपना इतिहास 500 साल तो गुरु नानक तो शुरू करते हैं तो इसे लई कई लोग सिखां नूं गदार कहण तक भी जाते हैं। होर किसी हिंदू का सिखां नाल कोई विरोध नहीं। मेरा मित्र हुण इस दुनिया विच नहीं पर उहदियां बहुत सारियां गल्लां नूं मैं अज भी ठीक मानदा। उहदियां धर्म बारे बहुतियां टिप्पणियां नूं मैं अज भी झुठला नहीं सकदा। शायद कोई भी बंदा अपने धर्म विच आईयां त्रुटियां करके उस धर्म नूं जो उसनूं बचपन तो मिलिया है छड नहीं सकदा। अज तो करीब 35 साल पहला मेरा मित्र जैन धर्म विच पाए ब्राह्मण दे रले करके बहुत चिंतित सी, पर मैनूं उदों कोई चिंता नहीं सी। मैं अपने धर्म नूं सर्व श्रेष्ठ धर्म समझदा सां। इस चढ़दी कला वाली भावना करके अंदरों अंदर मैनूं बड़ा आनंद आउंदा। उहदे कहे हुए शब्द अज भी मेरे कन्नां विच गूंजदे हन। उह सिद्धा ब्राह्मण नूं कसूरवार नहीं सी मंनदा। उहदी निगाह विच जैनी विद्वान ते धार्मिक लोग भी उन्ने ही कसूरवार सन, सगों उह अपने माता पिता ते ताए नूं भी पूरा पूरा कसूरवार मंनदा सी। उह कहिंदा सी जे सधारण लोग गलत ते भुलेखा पाऊ जैन प्रचार नूं ना मन्नण तां ब्राह्मण इन्हां दा हुण वी कुछ नहीं विगाड़ सकदा। उस दे ख्याल अनुसार मरदे जैन धर्म विच अजे भी रूह फूकी जा सकती है, पर वह यह भी मानता सी कि इस तरह हो सकना हुण काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जैनी बहुत बुरी तरह गुमराह हो चुके हैं। गुमराह होए लोगों नूं राह ते लियाउणा उन्ना ही औखा हुंदा है जिन्ना खोते नूं बेड़ी ते चढ़ाउणा। वह कहिंदा सी जे कोई खोते नूं बेड़ी ते चढ़ाउण दी कोशिश करे तां वह सगों पिछां नूं जांदा है। उसका तरीका यह है कि खोते का पिछा बेड़ी वाल करके अगे नूं खिंचया जावे तां वह अड़ी करके पिछा नूं जांदा है। इस तरह कड़प करके बेड़ी विच चढ़ जांदा है। पता नहीं क्यों वह किसी भी सुधार नूं असंभव मनदा सी, बल्कि उसका फतवा सी कि हुण कुछ नहीं हो सकता। इको ही समय ते उस दियां दो सोचां शायद निराशा दा सिट्टा सन। इहो ही हाल अज हर जागरूक सिख दा है। उपरोक्त सारियां गल्लां तो मैं उदों अणजाण सां पर अज नहीं। मैनूं हुण पूरा पता है कि जैनियां दी निगरी हालत बारे। जिन्ना मेरा मित्र इन्नी छोटी उम्र विच उदों चिंतित सी अज सिखां दी हालत उस तों कई गुणा वध भैड़ी स्थिति विच है। जैन तां जिथे कु उदों सन उत्थे की हुण हन, पर सिख बहुत डूंगी खड्ड विच डिग चुके हन। मैनूं उदों यह समझ नहीं सी हुंदी कि जे मूँह खुर की बीमारी मझां नूं लग गई होवे तां वह होर जानवरां नूं भी लग जांदी है। जिहड़े रोग नाल बकरी मरी उह रोग पठोरे नूं वांग जैनी ते बोधी दोवें मारे गए, पर मुस्लिम अते ईसाई धर्म दोवें इत्थों दे जमपल नहीं अते वह दोवें ही हमलावर सन ते बाहरले मुल्कां विच इन्हां दीआं जड़ां बहुत मजबूत हन। इसलिए यह नहीं मर सकते जदों के दूजे चारे धर्म अर्थात जैनी बोधी पारसी ते सिख नहीं बच सकते। ब्राह्मण ने सिखां नूं विचों विच खा लिया। जैनियां दे धार्मिक ग्रंथां विच रला तां पिया, पर उन्हां दा अहिंसा दा असूल अजे भी ज्यौंदा त्यों है। इस असूल तों ही वह अपना सुधार करना चाहुण तां शायद संभव हो सकता है, पर सिख धर्म का तो हुण कोई असूल ही नहीं रह गया।
जिस धर्म के पैर वढ़े जाण उसका की बन सकता है। गुरुद्वारियां दे ग्रंथी ब्राह्मण का रूप ले चुके हैं ते पंजां तख्तां दे जथेदार शंकराचारिया पीठां दा साधा संतां ने लोकां दे दिमाग बीमार कर दिते हन अते झूठियां सच्चियां साखियां सुना सुना के इन्ना कचरा भर दिता है जो हुण कढ़िया नहीं जा सकता। दस गुरु साहिबान जिन्हां ने पूरे 200 साल विच सिखां दा रूप ते सिधांत तैयार कीता सी अज डेरेदार साधा संतां दी धूड़ विच आम सिखां दी पछाणो बाहर होण दी नौबत तक आ गया है। दस गुरु साहिबान ने जिहड़ा काम सिखां नूं ना करन दी हदायत कीती सी ओह काम सगों जरूर ही करवाउण लई साध संत हर हीला वसीला वरत रहे हन। ब्राह्मण दी तोते रट नूं गुरु जी ने नकारिया सी पर अज गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शब्दी सिक्ख्या ग्रहण करन दी थां सगों सिखां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही ब्राह्मणा वांग रटना शुरू कर दिता है। 5 लख पाठ 1.25 लख पाठ ते एक लाइन विच इक्की इक्की गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप रख के पाठ करन ने ब्राह्मणा नूं भी मात पा दिता है। ढोलकियां चिमटियां हारमोनीयम वाजियां ते लाउड स्पीकरां नाल अपने ही मन विच बैठे सतगुरु नूं लभिया जा रहा है। गुरु दसम पातशाह जी दी इच्छा दे उल्ट पीढ़ियां दे पावियां थड़ियां ते सरदलां नूं नप्पिया कुट्टिया जा रहा है। जिहड़ा शरीर 5 भूतक ना होवे ओह ठंड ते गर्मी तों रहत हुंदा है। महाराज दे सुख आसन दे नां ते एसी ते हीटर लग रहे हन, कंबल रजाइयां दिते जा रहे, गर्मियां विच मरमल दा बरीक कपड़ा ते सर्दियां विच भारियां रजाइयां खरीद के पुन खटिया जा रहा है। नारियल ते कुंभ ग्रंथी कह के मंगवाउंदे हन, कूड़ा घड़ा ना होवे तां अर्थी नहीं चुकी जांदी। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਲੀਚੀਏ ਜਹੀ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕਾਮ ਅੱਜ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੰਡਾ ਚੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਅਜਗਰ ਦੀ ਕੁੱਟਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜਗਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।